अब दिखाई सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानो प्रभु मोत्रिका मिली मुख माही जल दिलाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते थे राम द्वारे तुम रखवारे भूतन आज्ञा बिनु पैसा रे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे वो महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा ओ तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सीध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे ओ असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावो जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा तो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदे महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध साकी गोलीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मेरा तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर रूप सियावर राम चंद्र जी की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की राधे श्री राधे उपस्थित आप सभी महनीय महानुभाव आप सभी को इस सभागार में सप्रेम सादर प्रणाम सभी को जय श्री कृष्ण। आज बहुत प्रसन्नता के साथ हम सभी सुंदरकांड के सामूहिक रूप से मनन और वाचन करने के लिए उस पर विशेष उपाख्यान सुनने के लिए यहाँ पर सभी हम उपस्थित हुए हैं। बहुत प्रसन्नता के साथ मैं आपकी भक्ति
भक्ति निष्ठा को प्रणाम करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम का मिलकर हम सभी शुभारंभ करें तो प्रकाश पुंज को ज्योति दिखाते हुए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित होगा। मैं आग्रह करता हूं जिनके नाम उच्चारण किए जाएं वो कृपया मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करेंगे अपने करकमलों से। परम सम्मानीय श्रीमान रमेश जी प्रधान साहब वो कृपया मंच पर आए, साथ में परम सम्मानीय घनश्याम जी रावत साहब, निवाई विश्व मंगलम से पधारे माननीय लल्लूलाल जी, राजकुमार जी गर्ग साहब, गिरिराज जी मंगल साहब एवं विश्व मंगलम सेवा संस्थान के अध्यक्ष महोदय गिरिराज प्रसाद माणक भोरा जी, सम्माननीय संजय जी माहेश्वरी एवं अमरचंद जी रावत साहब, आप सभी मंच पर पधारकर अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम प्रकृतिश्वः मरुतः पृष्णिमातरः शुभम यावानो विदधेहु जगमयः, अग्निजिभ्यः मानवः सूर्यचक्षुः विश्वेनो देवः अवसागमन्निहम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्भंसस्तनो बृभ्यशेमहि देवैः तं यदायुः। शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवः, यत्र नश्चक्राजरसन्तनोनां मह पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याः। रिरिखतार्युगन्तोः अदितिर्द्योः रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता, सपुतः सपुत्रः विश्वे देवः, अदितिपञ्चजना अदितिर्जातिमदितिर्जनित्वं मा। ॐ द्योः शान्तिदन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवीः शान्तिरापः शान्ति, रोखदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः। अब आप सभी अपना अपना स्थान लेंगे और शांति और सद्भाव के साथ हम सभी इस धर्म सभा की ओर आगे बढ़ते हुए हम सभी मिलकर आज विश्व मंगलम स्थापना दिवस है, 2 जुलाई का ये पावन अवसर है, तो बहुत प्रसन्नता के साथ राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर शहर में बैठकर हम सभी को ये सौभाग्य सुलभ हो रहा है। तो हृदय से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मैं आग्रह करता हूं सभी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। Thank you.
मैं सभी से आग्रह करता हूँ, आप सभी अपने अपने स्थानों पर शांति और सद्भाव के साथ विराजमान होकर हम इस सत्संग यात्रा का शुभारंभ करें। उपस्थित सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, जिनकी महनीय उपस्थिति से इस सभागार में दिव्यता का संचार हो रहा है। उन सभी तपःपुतों के चरणों में वंदन करते हुए आज हम सभी मिलकर सुंदरकांड के उपक्रम पर चर्चा करेंगे। तो आइए भाव और श्रद्धा के साथ कुछ समय के लिए हम संसार से दूर होकर भगवान मारुति नंदन के चरणों में अपने मन को लगाते हुए बंदव गुरुपद कंज कृपा शंद नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर, जो हमारे भीतरी अहंकार को अपनी आँखों से, अपने स्पर्श से, अपनी मधुर बोली से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने आश्रय से और अपने अश्रु से हमारे अंधेरे को समाप्त कर दे, ऐसे उस गुरु गादी की शरण में चलते हुए आइए हम सभी भाव और श्रद्धा के साथ सभी संगीत कलाकारों को प्रणाम करें, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कथा को या इस प्रवचन को दूर दूर तक भेज रहे हैं। उन तकनीकी टीम को मैं प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी महनीय श्रोता साधक जन श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति सभी माताएं बहनों को सादर प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से आग्रह करूं कि इस उपक्रम का शुभारंभ करते हुए इस कथा गंगा को प्रकट करें। के साथ आज योगिनी एकादशी मंगलवार पावन मुहूर्त में हम भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम रामचरितमानस का एक बहुत अद्भुत पात्र है। साधक की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि हमें पता है
आप सभी लोग उपासक हैं, परम तत्व में आस्था रखते हैं, साधन करके अपने चित्त की शुद्धि के लिए निरंतर आप प्रयासरत हैं, वही प्यास आपको एक बार पुनः यहां तक लेके आई है। तो धर्म के रक्षण के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए, अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए, भगवान की प्रीति के लिए उपस्थित आप सभी साधक और साधिकाओं को कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय श्री राम। बहुत आनंद का विषय है। हर जीव की एक इच्छा है, मुझे सत्य मिलना चाहिए, मुझे चित होना चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए। ये जो आनंद की मांग है, यही परमात्मा की मांग है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो शांति नहीं चाहता है, जो प्रेम नहीं चाहता है, जो ज्ञान नहीं चाहता है। या तो आनंद की मांग को ही निवृत्त कर दें, या फिर बैठकर ये निर्णय करें कि आखिर आनंद होता कहां है। बाह्य वस्तुओं में होता है कि हमारे अंतःकरण में होता है। हमारे महापुरुषों ने जैसा कहा है, उत्सव हमारी जाति है और आनंद हमारा गोत्र है। आनंद कहीं बाहर मिलेगा मेरे भाई बहन, ये मान्यता ही बहुत अधूरी है। मेरा होना ही आनंद है। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हनुमान जी महाराज को पूछा गया कि राम जी ने कि मेरा और आपका संबंध क्या है। भगवान, देह दृष्टि से मैं आपका दास भक्ति करता हूं, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, मवेवांसो जीवलोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन आत्मा की दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं। लेकिन वास्तविक अपने स्वरूप का बोध होने के बाद हमें अपनी निजता का पता चल जाए। साधक के जीवन का पहला सूत्र होता है कि वो अपनी निजता को समझ जाए कि आपका ये जो शरीर आपको मिला है ये साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष भी मरने के बाद नहीं होता है। हम मरेंगे और उसके बाद में मोक्ष मिलेगा, ये बातें सांत्वना के लिए ठीक हैं, लेकिन मैं नित्य मुक्त हूं, मेरे में कोई बंधन नहीं है। और शरीर से स्वरूप तक की ये जो यात्रा है, जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजपाट को छोड़कर गिरी कंदराओं में जाकर हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा करते हैं। और याद रखना, संसार के भौतिक या लौकिक सुखों में सुख नहीं होता है, वहां हमारी धारणा होती है। हमने ये निश्चय धारणा बना ली है कि वहां सुख भासता है। हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है सच में, इसलिए शायद भारत में जितने मंदिर हनुमान जी महाराज के बने हैं शायद ही किसी दूसरे देवता के हो। हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया
जो मांगना है मेरे से मांगो। आपकी जो भी दैहिक दैविक और भौतिक कामनाएं हैं और ताप हैं, उनकी निवृत्ति मैं करूंगा। बस आप केवल राम जी से भगवान की भक्ति करो और जो भी मनोरथ हैं, अगर सुग्रीव को गादी चाहिए या विभीषण को पद दिलाना है, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी महाराज जो हैं वो जीवन के प्रत्येक संकट को मिटाने में समर्थ हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, लेकिन हम लोग मन कर्म वचन। तो आज एक ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है, हनुमान जी के चरित्र को आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर भी ऋषि भी बहुधा गीतम, महापुरुषों ने बार बार इसलिए गाया है कि इनको श्रवण करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतःकरण में हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। हम उस भगवान की कृपा के भाजन कैसे बनेंगे? राम जी वन यात्रा के लिए निकले हैं, हनुमान जी सामने आ गए हैं और हनुमान जी पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। अब क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूम कोमल पदगामी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीन देवों में से एक आप हो? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं है? याद रखिएगा, हमारे सामने परमात्मा हो, लेकिन परमात्मा की पहचान भी परमात्मा की कृपा से होती है। मैं पुनः पुनः बहुत होश पूर्वक कहता हूं कि परमात्मा अप्राप्त नहीं होता है, परमात्मा केवल विस्मृत होता है। मेरे भाई बहन, अगर इस शरीर में आकर आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं हो सकता है। और अगर हम इस शरीर को ऐसे ही पूरा समय व्यतीत हो जाए, और याद रखना, या तो तुम जीवन में अर्थ, जीवन के अर्थ को समझ लो, वरना तो मृत्यु आपको खोजेगी। मैं पुनः पुनः कहता हूं, या तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों का मरना बंद होना चाहिए, और अगर ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अगर ये लगा हुआ है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ये मानव शरीर का हेतु क्या है। बस यहां आओ और बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करो, बहुत कुछ इकट्ठा करो, और जब तक सब कुछ सेट होने लगता है तब तक छोड़ के चल दो। अगर ऐसा ही जीवन का लक्ष्य है तो याद रखना, फिर शायद हम उस अवस्था के अधिकारी नहीं है। मेरे भाई बहन, हनुमान जी महाराज का जो चरित्र हमको समझाने की प्रेरणा देगा, इसलिए आप देखना, हनुमान जी महाराज रामचरित्र मानस में सभी को रुदन करते हुए आप पाओगे, लेकिन हनुमान जी महाराज कभी भी दुखी नहीं होते हैं किसी भी परिस्थिति में। और याद रखना, दुख आने पर दुखी ना होना, यह साधना की ऊंची अवस्था होती है। बहुत लोग साधना करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलताओं में बहुत हम लोग व्यथित हो जाते हैं। भगवान करे, हमारे साधन में थोड़ी स्थिरता आनी चाहिए, हमारे जीवन में भ्रांति। वरना प्रश्न उठता है कि राम जी को पता था कि हनुमान वहां पहुंचेंगे, तो सभी को भेजने की क्या जरूरत थी? वो मुद्रिका तो राम जी ने हनुमान जी को दे दी। यही परमात्मा का व्यवस्था है। समाज पुरुषार्थ ही नहीं होना चाहिए, हनुमान जी को मुद्रिका देके वहां से भेजा, अप्सरा से भेंट हुई, और फिर आप जानते हैं संपाति मिला है। आज परमात्मा ने मुझको आहार दिया है, सारे कीस भयभीत हो जाते हैं, और उन्होंने फिर कहा हाथ जोड़ के, शंपाती जटायु के वृतांत को सुनाया, जावंत जो है
बहुत सुंदर कुछ कथाएं कहते हैं। सुन संपात बंधु की करणी, रघुपत महिमा बहुविध बरणी। मैं अपने गए हुए भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। मेरे भाई बहन, संस्कृति पर श्रद्धा मत कर, संदेह मत करो। याद रखना मेरे भाई बहन, जहां विज्ञान विश्राम में जाता है वहां से आध्यात्म की शुरुआत होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि जब वैज्ञानिक लोग कह देंगे कि परमात्मा होता है तब हम मानेंगे, तो याद रखना बिना माने ही मरना पड़ेगा। और मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं, जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन भक्ति का जो रस है ना, ज्ञान में अखंड आनंद है, लेकिन जो कोई निष्काम होकर, निष्प्रयोजन होके नहीं, निष्काम होके जब कोई व्यक्ति भगवान अपने इष्ट की आराधना करता है तो उसका अंतःकरण इतना जल्दी शुद्ध हो जाता है। याद रखना, दैवी संपदा के संवर्धन होने से हमारे अंतःकरण में शुद्धि आती है, और आसुरी प्रवृत्तियों के बढ़ने से हमारे चित्त में धनुषता आती है, राक्षसता बढ़ती है। कोई व्यक्ति एक जन्म में राम नहीं बन सकता है और एक जन्म में रावण भी नहीं बनता है। ये बहुना जन्म नामंते, कितने जन्मों की यात्रा है। और ये मुझे बहुत अच्छी बात है, आप सब मेरे अपने हैं, मेरे भाई बहन, पूरा विश्व अपना है। लेकिन याद रखना, दुनिया में क्या क्या कांड हो रहे हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में एकादशी के दिन सुंदर कांड हो रहा है। सुंदर कांड अपने आप में है, जिन्होंने थोड़ा भी साधन। और हमारा जयपुर तो छोटी काशी है, यहाँ के लोग तो इतने आस्था रखते हैं हनुमान जी महाराज में। लेकिन इतना याद रखिएगा, सबने अपने अपने बल का बखान किया है, हम पार जा सकते हैं, लेकिन आने में संदेह है। कोई कहता है मैं इतने योजन का सागर, कभी कभी वाल्मीकि रामायण को पढ़ना, वाल्मीकि रामायण का जो सुंदर कांड है, अंगद ने कहा कि मैं पार जा सकता हूं लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। जिए संशय कछु फिरती बारा, जावंत जो है। और याद रखना मेरे भाई बहन, जावंत ने कहा बलि बाधत प्रभु बाड़े हो सो तन वरणी न जाए। अरे भैया, जब भगवान ने वामन से विराट बने तो वो जो भेष था, वो जो हमने दर्शन किया, मैंने थोड़ी देर में तीन परिक्रमा कर ली है, अब हम क्या करें। अब अवस्था ऐसी आ गई है मेरे भाई बहन, इस अवस्था को स्वीकार करो। जावंत के पास अनुभव बहुत है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। आपने सुना होगा, एक बार एक गांव में आग लग गई थी, सब लोग अपने प्राण बचाकर भाग गए थे। एक अंधा व्यक्ति था, उसको दिखाई नहीं देता था, हष्ट पुष्ट था, और एक लंगड़ा व्यक्ति था, उसको दिखाई देता था लेकिन वो चल नहीं पाता था। इन दोनों के बचने का एक ही उपाय है कि अगर ये दोनों मैत्री कर लें, और अगर अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने ऊपर बिठा ले तो दोनों बच सकते हैं। हमारे बचपने में, हमारी जवानी में बहुत कुछ करने की संभावना होती है लेकिन हमारे पास में अनुभव नहीं होता है। हमारे घरों में जो बुजुर्ग वृद्ध लोग रहते हैं, जो अनुभवी रहते हैं, इसलिए मेरे भाई बहन मेरा आपसे निवेदन है, घर में कोई भी बुजुर्ग होता है ना, उसने अपने जीवन को जिया है, उसके अनुभवों का फायदा उठाओ। हमें उनको उपेक्षा की भावना से नहीं रखना है, बहुत आदर की भावना से रखना चाहिए। जावंत भले ही कुछ कर नहीं सकता है लेकिन जावंत ने जो किया है, हनुमान जी महाराज को स्मरण कराया कि तुमको ऋषियों का श्राप लगा हुआ है, तुम अपने बल को भूल रहे हो, और हनुमान आपको पता होना चाहिए, राम काज लगी तब अवतारा। कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तुम पाई।
काज लगे अवतारा। मेरे भाई बहन, हर जीव का जन्म किसी विशेष सिद्धि के लिए हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है, उठो और जागो और अपने लक्ष्य को पहचानो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो शांति है, तुम जो होने की भावना लेके जन्म हुए हो, उस भावना में आप पहुंच कर, आप याद रखना, शांति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, वहां जाते ही आप स्वतः शांत हो जाओगे। हनुमान जी महाराज को स्मरण कराया है, और जाओ बंत के वचन सुहाए। यद्यपि वो सकारात्मकता से भरे हुए हैं, अगर कोई आज का व्यक्ति होता तो हनुमान जी की अगर नकारात्मकता से भरा हुआ व्यक्ति होता तो वो सोचता कि ये जो बूढ़ा आदमी है, ये दुश्मन के शहर में मुझे अकेले को मारने के लिए भेज रहा है। आजकल के हम लोगों की बहुत बड़ी अशांति का कारण है कि हमको अच्छे विचार बहुत कम आते हैं और बहुत नकारात्मकता के विचार बहुत ज्यादा अभी होते हैं। हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा है, जाओ वंत के वचन सुहाए, और हनुमान जी इतने हर्षित हो गए हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई आपको भूखा रहने की बात जरूरत नहीं है यहां आप ये। और याद रखना, अगर आज का कोई चालाक व्यक्ति होता ना, वो समझ जाता कि मौके का फायदा उठाना चाहिए। इनको कह दे कि जाओ, जब मुझे ही अकेले को सीता तक जाना है तो आप यहां क्यों रहोगे, बाद में साथ में जाएंगे तो राम जी को लगेगा कि सबने मिलके काम किया है, मैं अकेला लेके आऊंगा तो यश मुझे अकेले को मिलना चाहिए। लेकिन ये हनुमान जी की भावना नहीं है। और याद रखना, इतनी छोटी सोच रखने वाले कभी बड़े व्यक्ति नहीं बन पाते। इंसान से बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति से कभी कोई गलती नहीं होती है। प्रकृति की जो व्यवस्था है, इसलिए याद रखना, हमने किसी एक प्रतिमा को परमात्मा नहीं कहा है, हमने पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा माना है। सर्व खल मिदम ब्रह्मा। ये तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आम वाला, उसमें एक आम लटका दिया जाता है कि ये कर लो ये कर लो, ये तुम्हारे अभ्यास के लिए है। लेकिन जब आपका आपकी मनोवृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी, सत्संग करने से, साधु सेवा करने से, भगवत नाम जप करने से आपका मन निर्मल हो जाएगा। और जब शुद्ध निर्मल मन हो जाएगा ना, तो कितनी शांति, जीवन कितना आनंद से भरा हुआ है। यहाँ की प्रकृति को देखो, क्या पक्षी गीत गाते हैं, क्या ऋतुएं हैं, क्या भोर होती है। याद रखना, जो व्यक्ति अंदर से शांत है ना, वो बहुत प्रकृति का आनंद उठा सकता है। लेकिन जो अंदर से अशांत है ना, उसके बाहर भले कितनी भी भौतिक और भले ही आप प्राकृतिक छटाएं बिखेर दो, लेकिन वो व्यक्ति अंदर से अशांत है, वो अशांत ही रहेगा। ये पुराण का सूत्र है, रसांतस्य कृत्वा सुखम्। अशांत व्यक्ति को सुख कहां मिलेगा। आज का व्यक्ति धर्म को भूला तो नहीं है, लेकिन धर्म से भटक गया है। हम लोग धर्म के नाम पर भी कभी कभी ऐसी क्रियाओं में उलझ जाते हैं, यद्यपि उन चीजों की हम निंदा नहीं करते। अगर लोग तांत्रिकों की बात करें ना, तो कहना नहीं चाहिए। ये जो बाबा अभी मुझे जम्मू में मिले थे, और भारत के जितने भी बड़े तांत्रिक हुए, सबके साथ इनकी मित्रता रही है। मैंने पूछा, बाबा आपकी अवस्था क्या है, तो शायद 50 और कुछ बता रहे थे बाबा ने जहाँ बाहर। तो मैंने ऐसे ऐसे तो, और मैंने कहा कि बाबा मैं तंत्र में ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, अब मुझे कुछ बताओ। जाने दो, वो विषय से थोड़ा अलग हो जाएगा। धर्म एक वो विज्ञान है मेरे भाई बहन। धर्म मनोरंजन का साधन नहीं है, धर्म वो मनोमंथन का साधन है। सच में इन पुराणों को पढ़ो, लेकिन ये जो पैकिंग है ना पुराणों में, इसके रहस्य को कोई सदगुरु जानता है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम्। तू किसी ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष की शरण में जा, जिसने अपने अंतस में बैठकर उस परम चेतना के साथ एकीकार होने का रसस्वादन किया है। ये बाहर तो परमात्मा की क्रीड़ास्थली है, बाकी तुम्हारे अंदर जो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो आनंद है, जो शांति है, आपके अंदर इतना बड़ा विज्ञान है। मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। और याद रखना,
अगर हमारे विचार बहुत नकारात्मक है ना, एक दिन की बात, एक महाराज राजा नगर भ्रमण के लिए हाथी घोड़े पूरे अपने आयुधों के साथ निकला है, और वहां जब निकल रहे हैं तो पूरे नगर के लोग महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, और वहां क्या देखने को मिलता है कि एक चंदन की मूर्ति वाले की दुकान को देखा, और देखते ही मन में विचार आया मंत्री को बुलाया, मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि ये जो चंदन की दुकान पर बैठा है इसको फांसी की सजा दे दूं। मंत्री बहुत विवेकी था, और याद रखना जिनका मंत्री विवेकी होता उनका राज्य सलामत होता है। मंत्री ने सुना, और सुनने के बाद में उन्होंने महाराज को तो महलों में छोड़ा। अब क्षमा करिएगा, कई लोगों की बोलने की आवाज आ रही है, सब लोग धर्म के लिए आए, और कुछ लोग यहां आके भी पाप बटोर रहे हैं। कुछ भी हो आप शांत हो ताकि मैं उसमें उतरू, ये तो भूमिका है। मैं आपको चाहता हूं कि हनुमत तत्व के साथ है, मनोरंजन तो हम करते ही रहते हैं, वो तो धंधा ही बना लिया है। थोड़ा जितना हो सके ना हम शब्दों के साथ निशब्दता का अनुभव करें। अगर एक पात्रता है उस स्तर की अगर आप सोच रखते हैं, और बाकी तो फिर नहीं रखते, तो मेरा प्रयास थोड़ा अनुचित होगा। राजा ने जब देखा और मंत्री बहुत कुशल है, वहां पहुंचे हैं, अपरिचित वेश बनाकर दुकानदार से बातें की, और भैया कैसे हो, काम धंधा कैसा है? भैया क्या बताऊं, आजकल कुछ भी नहीं है, बच्चे पालने भी कठिन हो रहे हैं। कि कल यहां से महाराज निकले थे, आपके मन में कुछ विचार आया? उन्होंने कहा कि हाँ, एक दिन में विचार आया उनके ऐश्वर्य को देख के कि भगवान करे अगर ये राजा मर जाए तो इसको जलाने के लिए लकड़ी चाहिएगी, तो फिर मुझे इतना मुनाफा मिल जाएगा। आपको पता नहीं है, हम जो सोचते हैं ना उसका भी एक विज्ञान होता है। सच में अगर नकारात्मकता से भरे हुए व्यक्ति के साथ में रहोगे ना, तो तुम खुद भले शरीर में वजन नहीं हो, लेकिन विचारों का वजन तुम्हें बोझ के कारण दबा देगा। ऐसा लगेगा कि पता नहीं सब ठीक है, लेकिन मुझे अंदर से ना वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। विचार से कर्म का जन्म होता है। हमारे विचार जितने शुद्ध होंगे, वरना तो श्रुपणखा को देखो, प्लीज आप बैठ जाइए, ये गेटी बंद है। श्रुपणखा को देखो, वो भी नकली बन के गई। रावण ने सोचा कि मेरे पास सोने की लंका है, लेकिन शांति नहीं है। और ऐसा कौन रावण होगा जो शांति ना चाहे? रावण के मन में भी विचार आया कि मैं शांति का हरण कर लूं, ऐसे तो नहीं मिलेगी, तो शांति तो चाहिए। कैसे भी शांति चाहिए, कहीं से भी आए, अगर वैसे मैं साधक नहीं बन सकता, मैं अपनी मनोवृत्तियों को इतना परिष्कृत नहीं कर सकता, तो चुरा लेनी चाहिए शांति को। तो किसी से सुना था कि साधु बनने से शांति मिलती है, तो साधु बन गया, लेकिन साधु भी नकली बना। और याद रखना, एक बहन ऐसी है कि वो राम को चाहती है, और भाई ऐसा है वो सीता को चाहता है। यानी उनके संस्कारों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा अगर चिंतन करें तो, और फिर जो ये नकली लोग होते हैं ना, इनका पूरा परिकर ही ऐसा होता है। मारीच के पास जाके कहा कि तू सोने का मृग बन जा, वो भी नकली था।
हनुमान जी ने लंका में जाके देखा कि मेरे शिष्य को मैंने बहुत सामर्थ्य दिया है। यद्यपि उसकी साधना की स्थिति तमोगुणी थी, उसने लड़ झगड़ के अपनी मस्तकें चढ़ा चढ़ा के जो संपत्ति से वो राव नहीं दीन दिए दसमात। यद्यपि वो व्यक्ति साधक प्रकृति का नहीं है, लेकिन हां जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग तमोगुणी चीजें शंकर को चढ़ा देते हैं, वो भी है, लेकिन एक लोगों के स्तर की अवस्था है वो। ये सात्विक महापुरुषों का काम नहीं है, ये वैष्णवों का काम नहीं है। जो परम प्रीति को पाना चाहते हैं उन लोगों को ये नहीं है कि वो अपने इष्ट के ऊपर कुछ ऐसा करे। तो हनुमान जी महाराज को लगा कि मैंने शिष्य को बहुत सामर्थ्य दिया है, लेकिन जाके देखो कि वो सामर्थ्य का कैसा उपयोग कर रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, हनुमान को लंका में जाने के बाद लगा कि दुर्ग बहुत अच्छा है, लेकिन रावण की दुर्मति के कारण इसकी दुर्गति होगी। याद रखना मेरे भाई बहन, सोने की लंका बनाओ चाहे द्वारिका बनाओ, सोने का शहर बनाओ, लेकिन उस सोने के शहर का नाम लंका नहीं द्वारिका होना चाहिए। हर कुछ नकली नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैसा आना चाहिए, वो हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा मत करना कि कहीं वो आए और हाथ से वो चीजें निकल जाएं जिनको हम धन से नहीं ले पाए। हनुमान जी महाराज बहुत सकारात्मक व्यक्ति है। जावंत के वचनों को सुन के इतने हर्षित हो गए और फिर तो बार बार रघुबीर सवारी तरकेउ पवन तने जय श्री राम का नारा लगाया, उच्च घोष किया है। देखो ये जो साधक होते हैं ना, इनकी परम तत्व के ऊपर बड़ी श्रद्धा होती है, ये अपने इष्ट में बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि बिना भरोसे के भजन नहीं होता है। आजकल की तरह नहीं कि थोड़ी सी बातें अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग मूर्ति बदल देते हैं, फोटो बदल। मेरे भाई बहन, परमात्मा अनंत होता है, लेकिन अपने इष्ट को मत बदलो। अगर साधना की अगर हमको वास्तविकता में जाना है, और बाकी अगर साधना में खाली एक मखौल करना है तो बात अलग है, वरना तो पति ठीक हो गया तो हम भगत बन गए, फिर हम लोग संसार के लौकिक कर्मों में बहुत चले गए और फिर विलासी जीवन जीने लगे, और फिर पति बीमार हुआ और दूसरी बार में वो मर गया, तो हमने भगवान को मानना बंद कर दिया। इसको मैं भक्ति नहीं कहता, इसको मैं भ्रांति कहता हूं। भ्रांति में जीने वाला व्यक्ति भटकता बहुत है। वो कितने परमात्माओं को बदलेगा, कितने महात्माओं को बदलेगा, कितने मंत्रों को बदलेगा। इसलिए ये मार्ग है ना मेरे भाई बहन, गीता में योगेश्वर ने कहा है कि भक्ति व्यभिचारिणी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद मेरे भाई बहन जब वहां से जा रहे तो सागर को लगा कि इक्ष्वाकु कुल का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। याद रखना, हमारी प्रकृति को पढ़ो, प्रकृति भी यहां ऋण रखती नहीं है, वो भी लौटाना जानती है। आज सागर को लगा है एक समय आ गया है, कोई रघुवंश के काम के लिए जा रहा है तो थोड़ा हम उनको आधार दे दें। तो फिर उन्होंने मैनाक को कहा कि मैनाक तू अपने शिखर को ऐसा बना दे कि हनुमान जी थोड़ा वहां विश्राम कर ले। और वो प्रकट होके आया, और जैसे ही निकल के आया तो हनुमान जी ने उसका विरोध नहीं किया, हाथ करके स्पर्श करके हनुमान ते ही पर कर पुन कीन प्रणाम, लेकिन राम काज कीने बिनो मोहि कहां विश्राम। मेरे भाई बहन, अपने लक्ष्य को पहचानो, लक्ष्य की प्राप्ति में जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, आपका प्रत्येक कार्य राम काज हो सकता है, और बस उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम भक्ति की ओर कदम बढ़ाएंगे ना, आप नहीं चाहोगे तो भी संपन्नता आने लगेगी। बिना पुण्य के किसी को ऐश्वर्य नहीं मिलता है, और बिना पाप के किसी के जीवन में कष्ट नहीं आता है। बिना कारण के कुछ नहीं होता है,
इसलिए मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, कई लोग पैसा कमाते तो कष्ट होता है, लेकिन जाता है तो भी कष्ट देखे जाता है। बिना कारण के प्रकृति में एक कोई ना कोई बीज पड़ा हुआ, बिना कारण के कुछ नहीं हो रहा है। या तो उसको जान लो, जान लोगे तो ज्ञानी हो जाओगे, और मान लोगे तो भक्त हो जाओगे। लकड़ी के अंदर अग्नि है, ये जान लिया आपको ज्ञान हो गया, लेकिन लकड़ी को जला के प्रसाद बनाया जा सकता है, अगर ये क्रिया आपने कर ली तो आप विज्ञानी हो गए। ज्ञानी कौन है, विज्ञानी कौन है? और उसके बाद में श्री हनुमान जी महाराज, याद रखिएगा अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो कोई भी क्षेत्र में आप, लेकिन प्रलोभन आएंगे ये स्वाभाविक है, लेकिन उन प्रलोभनों में कभी आप फंसना मत, अटकना मत। अपने कर्तव्य को पहचानते हुए 100 साल के आयुष्य को बिल्कुल मुक्त होके जियो, जैसा भारत का वेद कहता है, कुर्वण्येह कर्माणि। हमारे भारत के वेद ऋषियों की वाणी को पढ़ो, भगवान करे हम निष्काम होके कर्म करें, हमारा प्रत्येक कर्म उपासना होना चाहिए, ऐसा विवेक हमारा सदने लगे। लेकिन बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और सत्संग बिना राम की कृपा के नहीं होता है। आपके ऊपर बहुत राम की कृपा है भैया, सच में अब राम जी के प्यारे हो। आगे आप क्या करोगे, लेकिन आपने अतीत में कुछ ना कुछ अच्छा किया है कि आप, और याद रखना ये तो सब बहाना होता है, बाकी हनुमान जी को कुछ आपको देना होगा। यहां बिना कारण किसी को हनुमान जी नहीं बुलाते हैं। और हनुमान जी महाराज ने फिर उनको प्रणाम किया, और फिर केवल एक तरीका से ही आपदाएं नहीं होती हैं, परेशानियां नहीं आती हैं, कभी कभी हमारी परीक्षा के लिए वहाँ देवलोक से भी कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे ही चले हैं, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत ही बचन कहे पवन कुमारा। को देवताओं ने जाते हुए देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। और फिर सुरसा को वहां भेजा, सुरसा ने कहा कि मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मां, अगर यह शरीर से आपकी क्षुधा की निवृत्ति होती है तो अच्छी बात है, लेकिन राम काज कर फिर मैं आऊं, मुझे एक राम काज कर लेने दो। ये हमको पता होना चाहिए कि शरीर नाशवान है, हम कितना भी यतन करें, कुछ भी कर लें, आखिर यह तन खाक मिलेगो। इसलिए मेरे भाई बहन, वो क्षण आए उसके पहले आप अपने लक्ष्य को पहचानो। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, गीता का श्लोक है, जिसका जन्म हुआ है वो निश्चित मरेगा। ये भयभीत करने की बातें नहीं है, लेकिन सत्य को समझने की बातें हैं। और उसके बाद में हनुमान जी ने कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन सुरसा ने, जैसे हमारे भारत के कभी लोग होते हैं ना, कभी कभी ऐसे लोग होते, एक पुलिस वाला कोई कैदी को पेशी के लिए ले जा रहा था, उसको वो कैदी पैसा देता रहता था, और फिर उसका मुंह लगा हो गया, तो पुलिस वाले को कहा कि भाई साहब मुझे गुटखा खाने की बहुत आदत है, जेल में ये सब उतना नहीं, आज ऐसा मौका है, इधर से जा रहे हैं, एक पान में खा लूं।
आप थोड़ी देर मुझे जाग, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर। उसने कहा मुझको पागल समझ रखा है, तुझे मैं वहां जाने दूंगा और फिर तू कहीं भाग गया तो एक काम कर, तू यहां रह, मैं लेके आता हूं पान। सुरसा ऐसी गलती सुरसा नहीं करती जो भारत के लोग कभी कभी कर बैठते। सुरसा ने कहा कि नहीं हनुमान जी महाराज को नहीं, नहीं नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है अगर खाना ही है तो खा लो। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास तू ने कभी रूप दिखावा। वो 16 होते हैं ये 32 हो जाते हैं, वो 32 होती है ये 64 हो जाते हैं। तास दुगन कभी रूप दिखावा। और सब तो योजन हुआ है तो याद रखनी है, भक्ति करने वाले को एक ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा का अंत नहीं होता है। मेरे पास इतना हो जाए, इतना हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, उससे ज्यादा। मेरे भाई बहन जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है। साधना अगर करना है और भक्ति की अनुभूति करनी है तो ये सूत्रों को सुनने के बाद में स्वीकार करना पड़ेगा। हम पुरुषार्थ पूरा करें, लेकिन याद रखना मेरे भाई बहन सारी चीजें हमारे चाहने से नहीं होती हैं। कभी कभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमारे चाहने से नहीं, ईश्वर के विधान से बनती है और विधान कर्म से बनता है। वरना दुनिया में कोई नहीं चाहता है कि मेरे घर में कोई जन्म से रोगी बच्चा पैदा हो। इसलिए आपके हाथ में जो कर्म है उस कर्म को आप समझें और फिर वो बात जो हुई है कि हनुमान जी महाराज उनके मुख में से निकल के आ जाते हैं और कह देते हैं कि माँ बदन वैठ पुन बाहर आबा, उससे विदा मांग लेते हैं। उसने भी उसको आशीर्वाद दे दिया और कह दिया राम काज सब करे हूं तो मैं वाले बुद्धि निधान, आशीष दे ही गई सो हर से चले ओ हनुमान। मेरे भाई बहन ये सुंदर कांड का आध्यात्म, ये कोई पाठ नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक प्रवचन हो रहा है। तो ये जो सुरसा है ना, ये साधक के अंतःकरण में रहने वाली वासना है। और क्षमा करिएगा मेरे भाई बहन, वासना की कभी पूर्ति नहीं होती है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा लाके बता दो जो कहे कि वासना की पूर्ति होगी, जो कहेगा वो ना समझ हो सकता है। कभी कभी मैं लोगों को कथाओं में पूछता हूँ कि जन्म किसका होता है, आत्मा का होता है, लोग कहते हैं शरीर का होता है। मेरे भाई बहन शरीर कैसे मिलता है आपको, किसी को ऐसा मिलता है किसी को, ये कारण क्या है? आत्मा का जन्म नहीं होता है। अगर आपने गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ा है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नान्यम भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो। वो आत्मा ने जन्म लेती है ना मरती है। शरीर पंचभूतों से मिला है, वो पंचभूतों में मिल जाता है। तो भैया ये जो विविधताएं यहां देखने को मिलती है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख है, कोई पंडित है, कोई कैसा है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र का मानना है बिना कारण के कुछ नहीं होता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल। इसलिए याद रखना हम परमात्मा की वास्तविकता को भले ही ना समझ पाए लेकिन परमात्मा हमारी वास्तविकता को जानता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता जैसी कोई करनी करता। वहां देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। वहां रे परमात्मा क्या छोटे छोटे जीव जंतु और उनको भी कितनी। इसलिए याद रखना इस परमात्मा की सृष्टि में किसी को छोटा भी मत समझो। जिसको हम चींटी मानते हैं ना वो तुम्हारे पैर को काट सकती है लेकिन तुम चींटी के पैर को नहीं काट सकते। यानी चींटी के अंदर भी जो विशेषताएं परमात्मा ने रखी है। इसलिए मेरे भाई बहन याद रखना जो स्वयं छोटा होता है ना वही किसी को छोटा समझता है। ये मेरा साधु मत है। बाकी जिनकी बुद्धि परिपक्व होगी है ना वो तो निज प्रभु में देखे जगत, वो तो सभी के अंदर अपनी आत्मा को देखता है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवस्तनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शन। ये गीता का श्लोक है। वो सभी भूतों में, और सच में है, अगर सभी भूतों में आपको अनुभूति हो जाए ना मेरे भाई बहन, फिर आपको चैतन्य को कहना नहीं पड़ेगा। फिर चैतन्य की जो भक्ति है और मीरा का जो आनंद है और सूरदास के जो पद हैं और कबीर की जो भाषा है, मेरे भाई बहन, परमात्मा सिखाया पढ़ाया नहीं जाता है। जिसकी अवस्थाएं पक जाती हैं उसके जीवन में स्वतः परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा हमको प्राप्ति ही है, बस केवल हमारी खुद की बहुत बड़ी लापरवाही है कि हम लोग संसार चाहते हैं, जिनसे याद रखिएगा वासना की कभी तृप्ति नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है कि उपासना करने से वासना की निवृत्ति हो जाती है। जैसे बारिश निकल जाती है और उसके बाद में पूरी पृथ्वी स्वच्छ हो जाती है, वरना बारिश के दिनों में क्या कीचड़ बहुत होता है, अभी आने वाली है, तो कभी कभी कीचड़ को ये अहंकार हो जाता है, लोग बच के निकलते तो उसको लगता है कि लोग मेरे से डरते हैं। कभी कभी छोटे लोगों की बुद्धियां ऐसी हो जाती हैं, जो संकीर्ण लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये मुझसे डरते हैं। मेरे भाई बहन, सृष्टि बहुत अद्भुत है, और उसके बाद जब मन निर्मल हो जाता है, जैसे पृथ्वी स्वच्छ हो जाती है, आकाश बादल स्वच्छ हो जाते हैं, आकाश स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही जब हमारे अंतःकरण के विकार शांत हो जाते हैं, आहा, तो भगवत कृपा से विकार शांत होने के बाद में मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ बातें भाषा की नहीं होती हैं, अनुभूति की होती है। सारे उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, हे भगवती, भगवान शंकर ने कहा पार्वती, जिसका साधन करते करते, सत्संग करते करते, मंत्र जाप करते करते, जिनकी वासना की निवृत्ति हो गई, और फिर जिसको अंतःकरण चित्त अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण हो गया, शुद्ध अंतःकरण में स्वरूप का ज्ञान हो गया, फिर निज प्रभु में देखें जगत, फिर वो सब जगह परमात्मा का दर्शन करके कही शन कर विरोधा हो ही विवेक मोह भ्रम भागा हो ही विवेक, अगर याद है तो गाओ, हो ही भ्रम भागा दर्शन के साथ यात्रा कर रहे हैं। बिना अनुराग के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, बिना सत्संग के मोह नहीं भागता है, परमात्मा में प्रेम नहीं होता है। हाँ, ये निश्चित है, उपासना करने से वासना मिट जाती है तो परमात्मा की जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है कि परमात्मा निर्गुण है, कि वो बाहर है, कि भीतर, ये सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं बचेगा, केवल हो सकता है आनंद और शांति बचेगी। इसलिए जो परम अवस्था है वो परमात्मा है, और मैं आपको इसीलिए कभी कभी निवेदन करता हूँ कि भगवान करे अभी सब अनुकूल है, सब साज बना हुआ है, सब तैयारी है, भगवान करे हम थोड़ा साधन करके अपने मन बुद्धि को साधु बना लें तो मेरे भाई बहन हमें वो लाभ मिल सकता है। नहीं तो याद रखना,
अगर मानव शरीर ऐसे खो दिया तो इससे बढ़कर महती विनष्टि, ये वेदों में लिखा है, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत कुछ जीवन का हिस्सा चला गया है, वो बीता जा रहा है, इसलिए पहली अवस्था में विद्या कमानी चाहिए, दूसरी अवस्था में धन कमाना चाहिए और तीसरी अवस्था में धर्म का अभ्यास करना चाहिए, वानप्रस्थ में पुराणों का श्रवण करना चाहिए। ना जो हमारे शास्त्रों में वर्णित साधन है, कोई भी साधन की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो हर पात्र और अवस्था के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो फिर जब जिज्ञासा की पूर्ति होती है तो प्रेम की प्राप्ति होती है। तो प्रेम जब समझ में आ जाएगा तो आपको हनुमान जी जो भक्ति के मार्ग में जा रहे हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में सुरसा से बच के गए तो एक राक्षसी निश्चर एक सिंधु मारा है। और ये राक्षसी तो ऐसी है, जीव जंतु जे गगन उड़ाए, सामने से प्रहार नहीं करती है, परछाई पकड़ के प्रहार करती है। याद रखना, ये जो पहली जो राक्षसी सुरसा, ये साधक के अंतकरण में रहने वाली वासना है, लेकिन ये जो पकड़ के गिराने वाली जो ईर्षा रूपी वृत्ति है, और जब तक ईर्षा रूपी वृत्ति होती है ना, और मेरे भाई बहन क्षमा करिएगा, ये केवल पृथ्वी पर नहीं मिलती, बड़े बड़े सागरों में भी ये राक्षसी रहती है, यानी बड़े बड़े लोगों में भी ईर्षा की वृत्ति रहती है। दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाना बहुत आसान है, लेकिन किसी की प्रसन्नता को देखकर मुस्कुराना बहुत कठिन होता है। कई लोगों को तो पहनावे से भी ईर्ष्या हो जाती है, दिखावा कर रहे हैं ये लोग, मैंने देखा है। और क्षमा करिएगा, आप अन्यथा मत लेना, ईर्ष्या की मात्रा कुछ बहनों में ज्यादा होती है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा जो जीवन, और मैंने पढ़ा है इन चीजों को, छोटी छोटी बातों में इतनी ईर्ष्या कर लेती है, पति को कहती है, जा वो व्यक्ति हमारे सामने कुछ नहीं था, वो इतना फल फूल कैसे रहा है। अरे भाई, वो शंकर की भक्ति करता है, वो हनुमान जी की भक्ति करता है, तो तुम भी करो, वो जो करे वही तुम करो, वो वहां चले जाए, कहीं भी जाए, वो तीर्थ यात्रा करे तो तुम भी करो, वो उनके पास जो होता है वो हमारे पास होना चाहिए। एक दिन शंकर प्रसन्न हो गया, उसने कहा कि मैं खुश हूं, पूछो क्या चाहिए तेरे को वरदान, बोल जल्दी बोल। उन्होंने कहा कि प्रभु उसको पूछ के आता हूं जिन्होंने साधना के लिए भेजा। दौड़ता दौड़ता गया, उसने जाके उस श्रीमती को पूछा कि बाबा, उसने कहा कि आप इतना बताइएगा, मैं उसे बाबा से क्या मांगू। उसने कहा कि कुछ भी करो, अगर भगवान प्रकट हो गए तो सबसे पहले मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन इसकी उन्नति बर्दाश्त नहीं है, उसके लिए कुछ ऐसा मांगो ताकि उसका अच्छा नहीं होना चाहिए, भले हम अपने हाल में जी लेंगे। और याद रखना, दूसरे की उन्नति को देख के अंदर जो जलन होती है वो ईर्ष्या होती है। और उसके बाद में फिर वहां गए, लेकिन महादेव तो सबका ध्यान रखते हैं, महादेव बाबा ने कह दिया कि भैया तुझे जो मांगना है वो मांग ले, लेकिन तुझे जो मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। फिर दौड़ता हुआ गया, ऐसा बाबा ने बोला है। तब उसकी श्रीमती कहती है कि उसको कहना कि सबसे पहले हमारे आंगन में कुआं हो जाए, क्योंकि उसके यहां एक कुआं होगा तो दूसरे के यहां दो कुएं होंगे। और फिर उससे कह देना कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब समझ सकते हैं, ईर्षा ईर्षा, जीव जंत जय गगन उड़ाई, आकाश में जो उड़ रहे हैं ना उनको पकड़ के पकटकती है। और वही छल, सोई छल हनुमान कह कीना, हनुमान जी मारा तासु कपट कपि तुरत ही जीना। आप तो सुंदरकांड पढ़ते, आपको याद होगा पूरा, ताही मार मारुत सुत बीरा। मेरे भाई बहन, जब तक ईर्षा से मुक्त नहीं होगे तब तक भक्ति की बातें मत करना, भक्ति का दर्शन नहीं कर पाओगे। आजकल लोग पता नहीं लोगों ने क्या, लोग कुछ छोड़ने को तैयार नहीं, पाना भगवान को चाहते हैं, जा बात करो। मेरे भाई बहन, ऐसा याद रखना, परमात्मा पाया नहीं जाता है, परमात्मा बना जाता है। यहां कोई भी पूर्ण नहीं है शिवाय परमात्मा के, और पूर्ण कभी पाया नहीं जाता है, पूर्ण बना जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप इसी जीवन में ये कर पाओ,
तो कुछ चीजों को आपको आप सुंदरकांड करते हो इसलिए सुंदरकांड का जो रहस्य है। और फिर उसके बाद में आगे चले हैं और फिर तो वो जो देखा है अति उतंग जलनिधि चौपासा कनक कोट कर प्रकाश। क्या गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि रावण का ऐश्वर्य इतना है ना अपने लोगों में, क्या खाक ऐश्वर्य है। रावण का पूरा शहर सोने का है, बन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहही नर नाग सुर गंधर्व कन्या। आप पढ़िएगा इन पुराणों को, लेकिन ऐसे मत किया करो जैसे सुंदरकांड के पाठों में होता है ना, इतना स्पीड से होता है कि हनुमान जी महाराज को कहना पड़ता है कि भैया मैं पीछे रह गया। आजकल मुझे लगता है लोग भक्ति करते हैं कि उन पर एहसान कर रहे हैं परमात्मा पर। हमारा उद्देश्य केवल हमारा ये नहीं होना चाहिए। मैंने कभी कभी देखा है महाराज घर में बहुत अशांति होती है, बार बार मैंने सोचा है कि उनकी बातों को सुन के हम भी अशांत हो जाते हैं, इससे अच्छा इसको कुछ साधन बता दो और उनको कह दो कि आप 41 दिन तक ये अनुष्ठान करो और अगर भगवान की कृपा होने से 20 दिन में काम हो जाए ना उसके बाद वो छोड़ देता है, क्योंकि वो कहता है काम हो गया तो अब क्या करना है। मेरे भाई बहन, ये जो हमारी भक्ति तमोगुणी नहीं होनी चाहिए, हम अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजन करें। हनुमान जी महाराज को देखो भक्ति की यात्रा में जब जा रहे हैं और फिर हनुमान जी महाराज पुन रखबारे देख बहु। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, अगर बहुत धीरे धीरे करूंगा और कितना भी जल्दी करूंगा तो भी 10 श्लोक हो जाए तो बहुत समझना, और ऐसे 60 श्लोक है तो 60 श्लोक का मतलब है कम से कम 6 बार करना पड़ेगा तब जाके सुंदरकांड पूरा होगा। उसका दर्शन करना है अपने को, ये कोई पाठ नहीं करना है। और उसके बाद हमारे जीवन में मेरे भाई बहन, भगवान करे संपन्नता खूब हो लेकिन हमारे जीवन में विलासिता नहीं होनी चाहिए। हमारा परिक्रम हनुमान जैसा होना चाहिए, हमारी इष्ट निष्ठा हनुमान जैसी होनी चाहिए, हमारे जीवन में उत्साह हनुमान जैसा होना चाहिए। वीर हनुमाना, वैसे तो गाना मना था लेकिन फिर भी आपके लिए। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रहियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रहियो रे प्रभु रे। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी, बहुत छोटे बन जाना और बहुत विशाल बन जाना, कनक भूंदरा कार शरीरा, ये सब सुंदरकांड की पंक्तियां हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां करनी नहीं पड़ती हैं, जब हमारे चित्त में सतोगुण बढ़ता है ना तो अपने आप सिद्धियां हमारे जीवन में आती हैं। याद रखना, सत्कर्म करने से आपके विचार शुद्ध होते हैं और शुद्ध विचारों से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होने के कारण आपके निर्णय उत्तम होते हैं, और जब आपके निर्णय अच्छे होंगे तो आप जीवन के कोई भी क्षेत्र में जाओ परमात्मा जो अदृश्य सत्ता है वो भी आपको सहयोग करती है। ये तो पक्की बात है मेरे भाई बहन, हर सफल व्यक्ति का अनुभव होता है अरे हमारे में कहां इतना सामर्थ्य था, पता नहीं परमात्मा की ऐसी कृपा हुई ऐसा सहयोग बनता चला गया। यहां सुखी तो सब होना चाहते हैं लेकिन हर व्यक्ति को ऐसे सहयोग नहीं मिलते। और फिर उसने कहा मोर आहार जहां लग चोरा, मैं तो चोरों का भोजन करती हूं। हनुमान जी को लगा
ये जो पहली जो राक्षसी आई ये वासना थी, याद रखना साधक के जीवन की। दूसरी ये जो आई है ये ईर्षा है, जो लगभग बहुत लोगों में समुद्र में रहती है, बड़े लोगों में पाई जाती है, बड़े बड़े महात्माओं में भी साहब आप कृपा करके हम जैसे लोगों की तो क्या बातें करें, और भी जो विशाल लोग हैं ना कहीं ईर्षा रहती। और ये जो आई है लंकनी, ये है भेद बुद्धि। हनुमान जी ने इसका पूरी बातें सुनी कि मैं चोरों का भोजन करती हूं, तो हनुमान जी ने एक मुट्ठी का एक महाकवि और मारने के बाद में फिर उन्होंने कह दिया कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, अब राक्षसों की कोई खैर नहीं है। मेरे भाई बहन याद रखना, व्यक्ति कितना भी पाप कर ले, समाज को धोखा दे सकता है, कानून को खरी सकता है, लेकिन जब प्रकृति हिसाब मांगती है ना, न विद्या काम आती है न बुद्धि काम आती है, कर्म भोगना पड़ता है। कर्म की गति इतनी गहन है कि बड़े बड़े कर्म नु संगाती राणा मारू कोई न थी। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं पुनः पुनः आपको एक निवेदन करूंगा, कर्म वो बीज है, उसको बहुत सावधानी पूर्वक बो, जो बोगे वही काटोगे। कई लोग समृद्धि को पचा नहीं पाते हैं। और फिर हनुमान जी महाराज ने जैसे ही मुट्ठिका का प्रहार किया तो उसका राग निकल गया। राग निकलने के बाद में फिर कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी है तुला एक तूल न ताही सकल मिले जो सुख लब सत्संग की महिमा को गाया है मेरे भाई बहन। एक गाय के सींग के ऊपर राई का दाना जितनी देर तक ठहर पाएगा, उतनी देर का सत्संग भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। याद रखना, यहां क्या सुनाया जाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहां बैठने मात्र से तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारी दैवी संपदा को उपजित होने की एक भूमिका मिल जाती है। यहां बैठने मात्र से आपके मन में एक भगवत भाव प्रकट होने लगता है। और याद रखना, भगवान दुर्लभ नहीं होता है, हमारे अंदर भगवत भाव होना चाहिए, वरना भगवान के दर्शन तो दुर्योधन को भी हो रहे थे, रावण को भी हो रहे थे। उनके सामने भगवान था लेकिन उनके हृदय में भगवत भाव नहीं था। इसलिए भगवान दुर्लभ नहीं होता है, ये बातें जाने दो, लेकिन भगवत भाव को पैदा करो। मेरे भाई बहन, बहुत ज्यादा नकारात्मक मत सोचो। ऐसी सोच रखो कि एक व्यक्ति था, बहुत गरीब है, और जैसे तैसे घर बनाया। आज वास्तु पूजन होने वाला था, बस अभी दो चार दिन बचे, मित्र प्रसन्न हो रहे थे। भले ही इन्होंने 15 साल मेहनत की, लेकिन अब इनका अपना घर बन गया। उस घर में कुछ ही दिनों के बाद में रहने वाले हैं, लेकिन प्रारब्ध भी क्या हुआ, वहां भूकंप आया और उसका घर धराशायी हो गया। उनके मित्रों को लगा कि ओहो, इतना बड़ा हादसा हुआ उसके साथ, सदमा कैसे वो बर्दाश्त कर पाएगा। मित्र उसको सांत्वना देने के लिए वहां गए, वो उधर से आया और देखा हाथ में एक प्रसाद का डिब्बा था, हनुमान जी का भोग लगा के आया, वो प्रसाद बांट रहा था। मित्रों ने तो सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। भैया, हमको तो लग रहा था कि आप बहुत दुखी होंगे, क्योंकि आपने पाई पाई जोड़ के ये सब बनाया था, प्रसाद क्यों बांट रहे हो? उन्होंने कहा कि भैया, प्रसाद इसलिए बांट रहा हूं, ये भूकंप आज से अगर 10 दिन के बाद में आता तो हमारा परिवार भी नहीं बचता। आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता का दर्शन करो, अगर ऐसी सोच है तो भक्ति की बातें करो, वरना जिन लोगों को अच्छाई में भी बुराई है, अगर किसी के तेरहवीं में भी जाते तो उसमें भी 13 कमी खोज लेते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। वो स्वयं तो भक्ति कर नहीं सकते, उनके साथ में अगर बैठोगे ना तो हमको संशय में डाल सकते हैं, भगवान होता भी है क्या, फिर क्या होता है। मेरे भाई बहन, याद रखना, भगवान जो है ना, कोई वस्तु नहीं है कि मैं आपको प्रदान कर दूं, तुम्हारा होना भी परमात्मा है। जिस दिन तुम अपने को जान लोगे ना, बहुत सारे प्रश्नों के समाधान हो जाएंगे। और हनुमान जी महाराज फिर वहां से गए हैं, और क्या संयोग बना है, जैसे ही हनुमान जी वहां भ्रमण कर रहे थे, रामा योद अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय,
और हनुमान जी को भी लगा लंका निश्चर निकर निवास, यहां सज्जन कैसे हो सकता। और संयोग भी यह बनता है कि जैसे ही हनुमान जी को लगा साधु थे हो न कार जानी, विप्र वेश बनाया है और हनुमान जी जैसे पहुंचे तो विभीषण की नींद खुल गई। यानी जन्म जन्म की जो जब जीवन में कोई साधु आता है तो कई जन्मों की नींद उड़ जाती है, व्यक्ति सोया हुआ है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है मोह निशा जग शोभन हारा, हम मोह की निद्रा में सोए हुए हैं लेकिन कौन जगाएगा, कोई साधु हमारे जीवन में आएगा ना। याद रखना मेरे भाई बहन, साधु के संग में बैठने से कार्य की हानि नहीं होती है, साधु थे हो न कारा जाने। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही जागा, जागे हुए व्यक्ति की एक पहचान है राम नाम से ही सुमरन की नाम, राम नाम स्मरण किया है, हनुमान जी को लगा है कि आहा ये सज्जन है। और फिर परिचय हुआ है, मैं थोड़ा समय को देखते हुए सूक्ष्म में अगर बातें करूं तो इतना कहूंगा, भैया कैसे रहते हो यहाँ। उन्होंने कहा जैसे दांतों के बीच बीच में जीव रहती है, सुनहु पवन सुत रहिन हमारी जीर्ण दस नंद महु जीव बिचारी। हनुमान तो बहुत खुश हो गए हैं, उन्होंने कहा कि भगवान आपका जीवन बहुत प्रसन्न होने वाला है। उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ विभीषण, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हनुमान ने कहा कि दांत बहुत बाद में आते हैं और बहुत पहले चले जाते हैं, और जीव जन्म से आती है और आखिरी तक साथ देती है। याद रखना दुष्टों के संग में रहना पड़े ना तो ऐसे रहना कि भले ही बत्तीसों के बीच में रहना पड़े लेकिन दबके मत रहना। और याद रखना मेरे भाई बहन, मेरे को किसी ने एक बार कहा था कि बचपन में हम लोग कहते थे चिड़िया उड़ मैना उड़ ये उड़ ये उड़, अब भगवान हमारे साथ पता नहीं क्या कर रहा है, वो कह रहा है बाल उड़ दांत उड़ ये उड़ स्मृति नहीं पाते हैं उसमें, नींद उड़ नींद उड़ सुकून उड़। मरना चाहते नहीं है लेकिन सारे काम मरने के करते, शांति मिलती नहीं है। शांति मिलने का मार्ग तो यह है जिसकी आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आप चल पाए ना तो याद रखना या तो भगवान हनुमान की कृपा होगी तो इसी जीवन में मिल जाएगी, नहीं तो अगले जन्म में इतना प्रारब्ध लेके जन्म लोगे कि जन्म से ही उस आनंद में रहोगे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रशियो रे। कर्म कोई भी व्यर्थ नहीं जाता है, कोई भी बीज कहीं भी पड़ा हुआ है जिस दिन जल और पृथ्वी का संयोग बनेगा वो अंकुरित हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन ये जो अवस्था है ये साधन करने की अवस्था है। ना तू आयो संता सरणे ना तूने हरि गुण गायो, न संतों की संगति की है न परमात्मा का भजन किया है न शास्त्रों का श्रवण किया है, अब आगे हमारा क्या होगा जीवन का। ये संसार यह रहने के लिए, याद रखना हम संसार में रह नहीं रहे संसार से गुजर रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं गुजर गया, हर व्यक्ति संसार से गुजर रहा है, यहां स्थाई कोई नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए आया हो। और याद रखना वैसे तो हम लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं होता है लेकिन जो कहे कि महाराज मैं हमेशा के लिए आया हूं ना, उसके हमारे पास जो है वो भी उसी को दे देंगे, क्योंकि हमको तो पता है कि हम तो केवल आने जाने वाले लोग हैं। आगमा पायनो नित्य, इसलिए प्रेम सभी से करो लेकिन मोह मत करो। और फिर उसके बाद में बहुत प्यारा संबंध एक बात होती है विभीषण और हनुमान जी की, लेकिन मैं उन गहराइयों में न जाके, तू राम भजन करता है लेकिन राम काज नहीं करता है, इसलिए तू मुझे सीता तक पहुंचा फिर तेरा काम पड़ेगा, मैं तुझे राम से मिलाऊंगा। ये कितना प्यारा प्रसंग है, याद रखना हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हम भले ही ना समझ पाए जीवन में कोई भी चीज, हर चीज के पीछे एक कोई ना कोई कारण है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और उसके बाद में वहां जाके देखा है और अशोक वृक्ष के नीचे एक शीश जटा बहनी जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन। आहा साधक की क्या अवस्था होती है, उसका मन कितना शांत हो जाता है, राक्षसियां भी उसको कुछ विचलित नहीं कर पाती हैं, कैसी भी मनोवृत्ति आती है जब साधक अपने स्वरूप में टिक जाता है ना
तो उसके जीवन में जो आनंद के फुहारे लगते हैं, लेकिन रावण आ जाता है। और जैसे ही रावण बहुत राक्षसियों को लेके आता है, सीता को धमकाने लगता है, और धमकाने के बाद में वो कहता है कि मंदोदरी आदि सब रानी, मैं मंदोदरी इत्यादि रानियों को तेरी दासी बना दूं। मंदोदरी वहां सुन रही थी, कह रही थी, हे भगवान, ये पति है कि विपत्ति है, मुझे दासी बनाने की बातें कर रहा है। याद रखना मेरे भाई बहन, कई लोगों का मरने का समय आ रहा है, लेकिन पाप की वृत्ति की निवृत्ति नहीं हो रही है। पाप की वृत्ति निवृत्त होनी चाहिए। हम पूर्ण बन नहीं पाए, लेकिन पूर्ण जाने से पहले हम तृप्ति का अनुभव करके जाएं दुनिया से, वरना तो फिर आपको पता है यहां तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए मरने के बाद में अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना पड़ता है। बहुत तृष्णा बाकी बची है। हमारे धर्म की हर व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई कारण है। धर्म पूरा विज्ञान है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, उठो और जागो और अपने लक्ष्य को और अपनी परम अवस्था की यात्रा करो। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम। और उसके बाद में सीता जी ने जो उसको सुनाया, मेरे भाई बहन, सीता प्रलोभन में नहीं आती है, कोई सीधा साधारण स्त्री नहीं हो सकती। आजकल के अगर लोग होते तो आजकल तो सब पैसे से सब बिकता है साहब, जब से ये ऐसी व्यवस्था आई है ना, पहले पैसे से वस्तुएं मिलती थी, आजकल तो पैसे से व्यक्ति सब कुछ खरीद लेते हैं। और इसलिए संपन्न लोग हो जाएंगे, लेकिन वो प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कर्म भोगना पड़ता है, याद रखना। इसलिए पैसा साधन है। और मैं तो कथाओं में बार बार कहता हूं कि मेरे भाई बहन, हम जीवन में अपनी आने वाली पीढ़ी को संपत्ति दें, उसके पहले उसको सुमति दो। वरना मैंने बहुत परिवारों में देखा है कि जिन्होंने बाप दादों ने बहुत इकट्ठा करके दिया, लेकिन वो सद्बुद्धि नहीं दे पाए, तो आने वाली पीढ़ी ने उस संपत्ति को खर्च नहीं किया, उस संपत्ति ने पीढ़ी को ही खत्म कर दिया। जहां विवेकहीन जीवन हो जाता है ना। और मेरे भाई बहन, एक बार एक किसान था, किसान गांव छोड़ के चला गया, बंदर उत्सव मनाने लगे। वाह, जो हमें बगीचे में आने से और जो हमको खेत में खाने से रोकता था, वो आदमी ही चला गया या मर गया, अब हमें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने खूब ऋतु में फल खाए, बंदर बड़े प्रसन्न थे, लेकिन जैसे अगला साल आया और ऋतु आई, तो सारे बंदर उदास थे। और जब पूछा गया, उन्होंने कहा, भले ही वो डांटता था, लेकिन कुछ भी था, लेकिन मौका पाके हमको फल मिल जाते, इस बार किसी ने फसल ही नहीं की। इसलिए मूढ़ता पूर्वक उत्सव मत मनाओ। उत्सव के पीछे भी हमारा एक जो धारणा है, हम ऋषियों की संतान है। हर व्यक्ति का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, यहां समय का सदुपयोग करो। हम समय देकर संपत्ति कमा सकते हैं, लेकिन संपत्ति देकर समय खरीद नहीं सकते। वरना तो कोरोना में कितने बड़े बड़े लोगों को कितना वैराग्य हुआ, इतना ज्ञान हो गया और इतना दे दिया दुनिया के लोगों को, उसको शमशानी बैराग कहते हैं। लेकिन भगवान की कृपा रही, कोरोना में वो लोग बच गए, और बचने के बाद में फिर ऐसा लगता था कि बस अब शेष जीवन हमें तो यही सत्कर्म में, वही शांति की खोज में, जैसे सीता शक्ति समानीता रामा आत्मा राम है, हमको भी शांति और आत्मा की अनुभूति करनी है। लेकिन जैसे ही दुनिया की हवा लगी ना, कोरोना के बाद में प्रॉपर्टी के दाम कई गुने बढ़ गए हैं। कोरोना के बाद में ना प्रॉपर्टी जितनी उछाल करने, क्योंकि वो जो शमशानी वैराग्य था ना, फिर वो बदल गया। तो वैराग्य जो हमारे चित्त में आता है, हम ये नहीं कहते कि निष्प्रयोजन हो जाओ, आप निष्काम कर्म करो, निष्प्रयोजन मत रहो। आप धर्म को समझने की कोशिश करिएगा। धर्म कोई अफीम नहीं है कि उसका नशा कर लिया जाए। धर्म एक जीवन की प्राणवायु है। हम जो कहते हैं वो धर्म नहीं होता, हम जो बोलते हैं वो धर्म नहीं होता, लेकिन जिसको हम जीवन में धारण करते हैं वो धर्म होता है। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्मो रक्षति रक्षता। और फिर रावण मारने के लिए गया है, मंदोदरी ने कहा कि भगवान, आपके लिए तो देवांगनाएं लालायित होती हैं, कई लोगों को तो मुंह देख के तिलक करना पड़ता है। और मंदोदरी ने कहा कि जाने दो ना इस तपस्विनी को, बिचारी पहले से ही दुखी है, जैसे तैसे उसको बचा लेते हैं। और मास दिवस में कहा न माना, तो मोय मारही काढ़ी कृपाना।
ऐसी धमकी देकर, क्योंकि रावण जैसे लोगों का काम होता है किसी को धमका के कैसे भी करके प्रलोभन देके उसको अपने पक्ष में ले आओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिक जाते हैं मेरे भाई बहनों, कुछ लोग होते हैं ना उनको लगता है शरीर भले ही छूट जाए लेकिन हम परमात्मा के भरोसे पे बैठे हैं, जो ठाकुर करेगा वो हमें, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम स्वीकार करने वाले लोग हैं। जितना दिया प्रभु ने है उतनी मेरी औकात नहीं है। याद रखना साधना भक्ति तक पहुंचने का ये भी एक सूत्र है कि हमको बहुत ज्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो नहीं है उसके लिए परेशान मत हो, जो है उसका आनंद लो, वरना तो ये भी चुक जाएगा। ये पता नहीं चलता है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, हमें संवाद करके अपने अंदर के उस आसुरी वृत्ति की निवृत्ति करके अपने मूल स्वरूप में आकर, ये जो कौन ऐसा तुम्हारे अंदर, जो आंखें जिसकी शक्ति के कारण देख रही हैं, कान जिस शक्ति के कारण सुन रहे हैं, वो कौन ऐसा सर्वशक्तिमान है जो पूरे शरीर के यंत्र में बैठ कर और वो पूरे शरीर को क्रियान्वित कर रहा है, वो कौन चित्रकार है। और उसके बाद में सीता जी को लगा है कि मिले ही न पावक मिटे ही न सूला, देखी अथ प्रगट गगन अंगारा। मेरे भाई बहन साधारण लोगों की तो बात छोड़ो, ये जीवन है, कभी कभी जगत जननी भी जीना नहीं चाहती, जलना चाहती है, एक आन काट रच चिता बनाई। त्रिजटा को उसने अपना सपना सुना दिया है, सबको सब चली जाती हैं, और मेरे भाई बहन जो अग्नि नहीं मिलती है तो सीता, अब कभी कभी वाल्मीकि रामायण जब पढ़ोगे आप, सुंदरकांड तो पढ़ते ही हैं, उसमें लिखा है कि सीता जी को यहाँ तक विचार आया कि मेरी बहनी बहुत लंबी है, हो सकता है मैं बाल से फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर लूँ। मेरे भाई बहन भारत की बहनों ने जितना सहा है ना, भले ही हम इसको शक्ति मानते हैं, हम शक्ति मान के बहनों की बहुत आराधना उपासना पूजा करते हैं, धन्य ये भारत जो शक्ति की आराधना करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में जो विपरीत और ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ता की जो स्थिति आ जाती है, अभी उसी समय हनुमान जी महाराज, उनको लगा है कि माँ सब कुछ ठीक है लेकिन राम नाम भूल गई है, तो कपि कर हृदय विचार दीन मुद्र का डारी तब। याद रखना हनुमान जी महाराज जो भी करते हैं वो विचार के करते हैं, ये मैंने कितनी कथाओं में आपको बताया, वरना सुग्रीव केवल विचारता रहता है, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा, करता कुछ नहीं। कई लोग विचारते बहुत है, ऐसा कर दूं वैसा कर, करते कुछ नहीं है। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो विचारते बहुत है, मैं विचार रहा हूं कि वहां जाने में कितना खर्च होगा, भैया विचारने में कुछ नहीं लगेगा। अरे भैया ऐसी बात है, याद रखना जिसमें लाभ कम होता हो और नुकसान ज्यादा होता हो। कई लोगों की प्रकृति ऐसी, एक बार एक व्यक्ति ने सपना देखा और सपने में पैदल कहीं यात्रा में निकल गया तो उसको ठोकर लगी और ठोकर लगने से एक सोने का कलश मिल गया, और कलश जैसे ही मिला तो उसने इतनी संपदा को पकड़ के इतना प्रसन्न हो गया सपने में। याद रखना ये सपने की बात है। और जैसे ही सपने में संपदा मिली इतना प्रसन्न हुआ। लेकिन सामने से एक व्यक्ति आ गया और उसने देखा और कहा कि इसमें से कुछ प्रतिशत मेरे को दो, मैं धर्म में लगाऊंगा, मैं परमार्थ में लगाऊंगा। उस व्यक्ति को इतनी परेशानी होने लगी कि भाई अब इसको मना कैसे करूं। उसी समय सुबह के 7:30 बज गए, पत्नी आई और पत्नी ने दो चार अपनी भाषा का प्रयोग किया और उसको जगाया, और जगाने के बाद में आज जागते ही उसने पत्नी को कहा कि आज तूने बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि मेरे को तूने बचा लिया। पत्नी खुद समझ नहीं पाई कि भाई मैंने कैसे बचाया, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ। उन्होंने कहा कि आपको भले ही समझ में नहीं आया, अगर आज तू जगाती नहीं तो मैं दान कर देता। काम क्रोध मद लोभ शब नाथ नरक के पंथ, ये सुंदरकांड है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपका समय पूरा हो गया और मेरा सुंदरकांड तो अभी चालू हुआ है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो समझ में आने की बात ही क्या है, सच्चाई तो ये है कि 7 बजे तक का टाइम है, आयोजकों ने बहुत अच्छा वो किया और मैं कुछ बहुत सारी आध्यात्मिक बातें, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा
कि ये प्रसंग तो भगवान जाने कभी फिर कभी संवाद होगा, क्योंकि हनुमान जी की जो कथा है ना, भगवान अनंत होते, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लेकिन कुछ प्रश्नोत्तर की बात मुझे समझ में आई, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं साधकों के, क्योंकि आजकल है ना शास्त्रों को न तो ठीक से पढ़ पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना सुन पाते हैं। तो जिन जिन लोगों के प्रश्न आए हुए हैं, अगर मेरे तक वो प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों पर हम थोड़ी बातें कर सकते हैं, और अगर प्रश्नों पर कोई बातें नहीं हैं तो हम लोग फिर एक बार, आप लोग कथा में बैठे हैं तो भाव से हनुमान जी का ध्यान करते हुए सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। मेरे भाई बहन, एकादशी का दिन है, याद रखना, हम भले ही देख पाए या ना देख पाए कौन कहाँ बैठा है, लेकिन हनुमान जी सबको देख रहे हैं, इसलिए बेईमानी मत करना। भाव से हनुमान जी का ध्यान करते हुए, हमारे हनुमान जी महाराज के दोनों करता हाथों में करताल है। राम चरित्र सुनबे को रसिया, हनुमान जी राम भजन जहां होता है ना, यत्र यत्र गुणात कीर्तनम, इतने विवोरों के नाचते हैं ना, छम छम नाचे वीर हनुमान। मेरे भाई बहन, पवित्र काल में जप करने का जो आनंद है ना, और आप तो इतना सामूहिक, याद रखना, मुझे पता है अकेले में बैठ के भजन करते हैं ना, मैं भी तो खुद आपके साथ हूँ, आखिर मैं भी तो आपके साथ रहता हूँ, आपकी तरह खाता हूँ, आपके पास ही रहता हूँ। कभी कभी भजन में मन नहीं लगता तो बार बार देखते हैं कि वो मनिया कहाँ चला गया, आज सुमेरु कहाँ खो गया। कली काल में अकेले बैठ के भजन करना, कभी कभी मन बहुत भागता है, हम कोई योगी नहीं है, हम कोई सिद्ध नहीं है, एक ही उपाय है, सतयुग में ध्यान की महिमा है, त्रेता में यज्ञ की महिमा है, द्वापर में पूजा की महिमा है, कलयुग में हरि नाम की महिमा है। हम सामूहिक सब एक स्वर में, एक ताल में भगवान का ध्यान करते हुए, ये मेरे भाई बहन, ये जो भक्ति है ना, ये जो प्रार्थना है ना, याद रखना, हमारे शब्द परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हमारा भाव हमारे ठाकुर जी तक पहुंचता है। आप भाव से गाओगे ना, मुझे बहुत भरोसा है, भरोसा ही भजन है। भजन किसी क्रिया का नाम नहीं है, केवल मंदिरों तक पहुंच जाना, हम मंदिरों तक पहुंच जाते हैं लेकिन मालिक के बारे में जान नहीं पाते हैं। जीवन में भरोसा आ जाए, ये भरोसा ही भजन है। मेरे भाई बहन, धर्म जो है वो शरीर की चिकित्सा नहीं करता है, मानसिक चिकित्सा करता है। आज समाज को शरीर की चिकित्सा के अपेक्षा मानसिक रोगों की चिकित्सा की ज्यादा आवश्यकता है, वरना जिसके मन अशुद्ध होते हैं ना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ये तो स्वीकार कर लेंगे, उनके अपेक्षा हमारे पास धन कम है लेकिन उनसे बुद्धि कम है, ये स्वीकार नहीं करेंगे मेरे भाई बहन। और याद रखना, कोई शरीर से रोगी होता है तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब किसी के मन में रोग आते हैं ना, तो वो अपने अंदर होते हैं लेकिन दूसरे में दिखाई देते हैं। इसके कारण हमको काम आता है, इसके कारण हमें क्रोध आता है। मेरे भाई बहन, आप मानसिक रोगों को पहचानो, आप मन को निर्मल बना लो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये सुंदरकांड का सूत्र है। हमारा मन निर्मल कैसे होगा, हमारी बुद्धि निर्मल कैसे होगी। मैं पुनः पुनः कह रहा हूं, आत्मा को परमात्मा मत बनाओ, और हमारा सामर्थ्य भी नहीं है, हम आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते, केवल हम मन और बुद्धि को निर्मल बना ले, यही साधना का सूत्र है। जीवन में सदना ही साधना है, हम सद जाएं जीवन में, और सदने का एक ही मार्ग है, शुरुआत तो आस्था से करनी पड़ती है। भगवान का जो नाम है वो साधन भी है, सिद्धि भी है, इसको जपोगे, अभ्यास करते करते, नकल करते करते असल हो जाएगा। इन महात्माओं से पूछो, इन महापुरुषों से पूछो, हम लोग जब गुरु मंत्र दे मिल जाता है ना, तो जप करने लगते हैं, तो जप करते करते हमारी जो मनोवृत्तियां है ना, अगर हम तमोगुणी होते हैं तो सतोगुण रजोगुण में चले जाते हैं, रजोगुणी होते हैं तो सतोगुणी हो जाते हैं, और सतोगुणी होते हैं तो त्रिगुणातीत हो जाते हैं, और त्रिगुणातीत हो जाना ही जीवन की पूर्णता है। राम 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 सीता राम
राम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम बाद न कर नेक अमल और हरि को सुमिरन उत्पात न कर उत्पात न कर नेक अमल और हरि को सुमिरन उत्पात न कर उत्पात न कर यहाँ तुमको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है निज कर्म का लेखा चुकता है। भाई बहन सुंदरकांड में आपने एक बात सुनी उसको याद रख के जाइएगा, शिकायत नहीं करना है स्वीकार करना है। हमें कभी भी जो आनंद सहने में है ना वो कहने में नहीं है। मेरे भाई बहन अगर थोड़े दिन अगर प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए भगवान ना करे फिर भी आप है ना अपने जीवन में अपने स्वरूप से विचलित मत होना, इसी प्रकार अपने दैवत्व को जगाते रहिएगा, इन आध्यात्मिक ग्रंथों को श्रवण करते रहिएगा। मेरे भाई बहन आपको पता है भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य से जब हमारा जीवन समन्वित हो जाएगा ना फिर जब आपका आखिरी जीवन होगा तो आपका जीवन इच्छा रहित हो जाएगा, वासना रहित हो जाएगा, जिससे कि जीवन में कोई भी इच्छा नहीं बची है और शरीर अभी स्वस्थ बना हुआ है, समझ लेना कि उस जीवात्मा का ये आखिरी जन्म है, अब वो परम अवस्था का अधिकारी हो गया है। वरना तो कई लोगों की शरीर तो छूट जाता है, इच्छाएं अभी अधूरी रह गई। जिसकी इच्छाएं बहुत अधूरी है और शरीर मर गया है उसको मौत कहा जाता है, लेकिन इच्छा ही पूरी हो गई, इच्छा कुछ नहीं बची और शरीर अभी स्वस्थ बना हुआ है, यही जीवन की मुक्ति है। हम मरने के बाद मुक्त हो जाए उससे अच्छा है, जीते जीते हम ध्यान करें अच्छी बात है, लेकिन याद रखना हम ध्यान नहीं करते, मैं स्वयं ध्यान हूं, मेरा होना भी ध्यान। हम परमात्मा की उपासना करें लेकिन परमात्मा को हम अपने से भिन्न नहीं माने, हमारा होना भी भगवान है। हनुमान जी ने यही कहा है, शरीर के स्तर पर मैं दास हूं, जीव के स्तर पर आपका अंश हूं और आत्मा के स्तर पर जो आप हो वही मैं हूं। इसलिए हनुमान जी निरंतर प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी महाराज कृपा करें आप सभी के जीवन में, पूरे भारत के लोगों का जीवन। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। आइए, ना चाहते हुए भी आपका 5 मिनट ज्यादा ले लिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर कभी हम लोग ईश्वर की कृपा से हम लोग बैठकर कुछ आध्यात्मिक, वैसे आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें दिमाग में, लेकिन थोड़ा सा समय जब तक भूमिका बना ही ना ऐसा ही होता है, जब तक पूरा साज जब तक रास्ते समझ में आने लगते हैं ना तब तक जाने का वक्त हो जाता है, जीवन हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो वही यहाँ हुआ, जब तक थोड़ा इनको समझ, नया मंच था, इनको समझ में आया कि ईश्वर में चलना है तब तक समय पूरा हो गया। तो आइए, आप सब लोगों ने इतने धैर्य के साथ इतने आनंद के साथ और मुझे वाक्य पुष्पांजलि, मुझे पता है अब आप हनुमान जी महाराज का 1 मिनट, हम लोग अब तक गाते रहे थे, गाते रहना परमात्मा की प्रार्थना है, लेकिन मौन हो जाना
उस परमात्मा की प्रतीक्षा है जिस कार्य के लिए आपको बुलाया है। मैं चाहता हूँ आप आंखें बंद करके केवल हमारे गॉड साहब की बेणों को सुने। हम दो मिनट तक केवल भगवान का ध्यान करेंगे। जो अपना इष्ट है हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज, बेणों की धुन हमको सुनाई देती रहेगी और बहुत शांत। सभी बहुत प्रसन्नता और तन्मयता के साथ सुंदरकांड के पावन व्याख्यान को सुना और अब समय है कि हम विराम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 7:04 हुए हैं। साधक संजीवनी प्रश्नोत्तरी के लिए 10 मिनट रखा गया है। जिनको भी अपना साधना से संबंधित प्रश्न करना है वो कृपया अपना हाथ खड़ा करें, उनके पास माइक पहुंच जाएगा। इसका केवल 10 मिनट का समय रहेगा, उसके पश्चात संत महापुरुषों का सम्मान होगा, अभिनंदन होगा, तत्पश्चात कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं और आरती। तो आग्रह करता हूं जिनके पास, जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है उनके पास माइक पहुँचाने की व्यवस्था करें। आप खड़े हो जाएं अपने स्थान से। बहुत अच्छा है। आपका प्रश्न है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है। इस सब की बातें शायद गीता जी को आप एक कर्म योग है। जिन लोगों को संसार की लौकिक वासनाओं से पूर्ण रूपेण वैराग्य हो गया है वो ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं। जिन लोगों के अंतःकरण में अभी संसार के संकल्प विकल्पों की इच्छा और कामना बनी हुई है वो कर्मयोग के अधिकारी होते हैं। और फिर जिसकी सारी इच्छाएं और कामनाएं शांत हो जाती हैं, ये साधक की वो भूमिका है कर्म को समझने के लिए। क्योंकि कर्म गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो इसके लिए आपको गीता का मेरा आपसे निवेदन है कि कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए आप भगवान पूज्य हमारे रामसुख दास जी महाराज के द्वारा जो साधक संजीवनी है उसका एक बार थोड़ा स्वाध्याय कर ले। क्योंकि कर्म की गति गहन है, ऐसा गीता में लिखा है, गहना कर्मणो गति। इसी के उपक्रम में मैं आग्रह करता हूँ बहन अंजू जी गर्ग, जो वर्तमान में GST कमिश्नर के पद पर जयपुर में कार्यरत है, अगला प्रश्न उनका है। आग्रह करता हूँ वो अपना प्रश्न सभी के बीच में रखें। एक बार करतल धनी से इनका अभिनंदन करें, दोनों हाथों से तालियां बजा। प्रणाम महाराज श्री।
मेरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है कि निष्काम निष्काम कर्म को कैसे परिभाषित। हाँ, बहुत सुंदर बात है। ये जो हमने कहा था अभी आज ये संवाद के प्रसंग में भी था कि हमें निष्क्रिय तो निष्काम कर्म करना है लेकिन निष्प्रयोजन कर्म नहीं करना है। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें कर्म करते हुए कर्म की जो फल की आसक्ति है उससे हमें बहुत अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जैसे गीता में इसको कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्तव्य कर्म का पालन, ये नहीं कि हमें अपने आवश्यकता नहीं है तो अब हम लोग अकर्मण्य हो जाएं कि प्रमादी हो जाएं कि आलस्य में चले जाएं। हम लोग अपने कर्तव्य को पहचान के और अपने कर्तव्य के माध्यम से उस परम तत्व की आराधना करते हुए, यानी स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, गीता का जो 18वां अध्याय है, कि ऐसे में जो सिद्धि प्राप्त होती है, हम कोई भी लौकिक अपेक्षा न रखते हुए भी हम अपने कर्तव्य को भगवत भाव से करते रहे, इसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि ये प्रश्न आपने किया है कि जहां आपके यहाँ नित्य गीता का पाठ होता है और शायद जयपुर में मैं पहली बार गीता जयंती के दिन, वरना तो कई लोग कहते हैं कि महाराज क्या बताएं, हमें तो गीता को बहुत सुनना पड़ता है। कि अच्छा, तब तो आप गीता के बारे में बहुत जानते हो। कि मैं जानता कुछ नहीं, मेरी पत्नी का नाम गीता है तो वरना तो ऐसा होता है, लेकिन गीता का जो ये दैवी संपदा है सच में, और ये प्रश्न है ना, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी की बात है कि कितने अच्छे साधक लोग इस संवाद में पधारे हैं। और क्षमा करिएगा, अगर पहले पता होता तो मैं थोड़े प्रवचन की धारा को और उच्च स्तर पर लेता, लेकिन मुझे लगता है कि दैवी संपदा का संवर्धन कैसे होता है। आहा, तो दैवी संपदा के संवर्धन के लिए ही ये सारे प्रयोजन होते हैं। ऐसा कोई आयोजन नहीं होता है जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। इस आयोजन के पीछे भी जो प्रयोजन है वो हमारे समाज की दैवी संपदा का संवर्धन करना ही है। तो इसलिए आप जप तप नियम जो भी हमारे शास्त्रों में तीर्थाटन, जो भी हमारे अंतःकरण की शुद्धि के और दैवी संपदा के संवर्धन के साधन बताए गए हैं, उन साधनों का पालन करने से, मौन व्रत करने से, आप गुरुओं की भाषा श्रवण करने से, आदि आदि चीजों को धारण करने से दैवी संपदा का संवर्धन होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया कि भक्ति की पराभक्ति कैसे होगी। एक होता है कि जब तक हमारे को बोध नहीं होगा उससे पहले क्या कर्मकांड होता है, लेकिन भक्ति की दो अवस्थाएं शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है, एक पराभक्ति एक अपराभक्ति। तो आपने जैसे गोपिकाओं का नाम सुना है कभी, और गोपिका भागवत तो सुनते ही हैं। गोपिकाएं पहले कृष्ण के लिए रोती हैं और रोते रोते फिर कहते हैं, भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 4वां श्लोक है, ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि ना अंतरात्मद्रिक। हे कृष्ण, आप जो है ना वो यशोदा के ही बेटे नहीं, अपितु सभी प्राणियों के अंदर जो आत्मा है। तो जब पराभक्ति की, ये यही तो गीता में कहा गया है, मद भक्ति लवते पराम, याद रखना मेरे भाई बहन। फिर उसके बाद जो अवस्था आती है ना, तत्व का बोध होता है, बखान नहीं होता है। जैसे गूंगा गुड़ खा लेता है उसको मीठा लगता है लेकिन बता नहीं पाता है, ऐसे ही परमात्मा मन समेत जही जात न बाणी। फिर उसके बाद आपकी जो अवस्था होगी वो अवस्था ही पराभक्ति के मतलब अनन्य प्रेम में ले जाकर आपको जीवन मुक्ति, यानी जहाँ तक शास्त्र की गति है, जहाँ तक वेद पुराणों में कहा गया है, वो सारे जीवन में लक्षित हो जाएंगी वो अवस्थाएँ। तो वो पराभक्ति है जिसके लिए गोपिकाओं को प्रमाण माना गया है, प्रमाणम तत्र गोपिका। जी महाराज जी, इसी चरणों में प्रणाम। महाराज, ये संचित कर्म और प्रारब्ध में क्या अंतर है? हाँ, ये भी अब क्या करें, आपके प्रश्न सबके इतने कि इनको तो बहुत विस्तार से खोलना चाहिए। संचित कर्म और प्रारब्ध जो होता है, याद रखना जो संचित कर्म है वही प्रारब्ध के रूप में परिणित होता है। हम लोगों ने क्या, मैंने पहले ही आपको निवेदन में कहा कि सनातन पुनर्जन्म को मानता है, और पुनर्जन्म को मानता है। अभी मान लो हमने सत्संग किया, किसी ने यहाँ किया, कोई किसी ने समय लगाया, किसी ने संपत्ति का विनिमय, किसी ने स्थान की सुविधा हमको प्रदान की, किसी ने
कई महीनों से हमारे आदरणीय एक विजय जी गर्ग जी, वो कई महीनों से मुझे पिछले एक साल से बार बार कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं ही कह रहा था कि नहीं नहीं भगवान ये सब पता नहीं जयपुर में लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है अगर शरीर छूट जाता है और जिन कर्मों का फल अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जिन फलों को हमने भोगा नहीं है, तो अनभोगे जो कर्म रह जाते हैं वही संचित कर्म कहे जाते हैं और उसी से हमारा छह चीजें निश्चित हो जाती हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे कर्मों को, ऐसा नहीं कि हमको मरना है तो हम पेड़ क्यों लगाएं, अब हम दो चार साल के हैं तो उसका फल कौन खाएगा। आप पेड़ लगा के मरोगे तो भी उसका फल आपको मिलेगा। आइए महाराज जी को प्रणाम। महाराज आपने भी अभी अपने प्रवचन में भी बताया और हमारे वेद और पुराणों में भी चार पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इधर तुलसीदास जी ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, तो ये कुछ विरोधाभास नहीं हाँ, है कुछ? बहुत अच्छी बात है ये देखो इसका मतलब है कि आपने शास्त्रों को सुना नहीं, थोड़ा भगवान की कृपा से मनन भी किया है। मेरे भाई बहन ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक जगह तो लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तो नुपावा रामायण में, और दूसरी जगह लिखा है कि पंच रचित अति अधम शरीरा। आपका प्रश्न इससे संबंधित है कि चार पुरुषार्थ है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भगवान ने गीता में कहा कि काम मेरी विभूति है, कामोश्मी भरतर सभा, और दूसरी तरफ कहते हैं जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम, ये गीता का तीसरा अध्याय है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हमें इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, तुम कुछ बताना चाह रहे हो कि उल्टा हमको? याद रखना दूध के अंदर घी होता है लेकिन दूध से दीपक नहीं जलता है। एक उसको क्रिया के माध्यम से जब नवनीत निकाल के तपा के और जब घी बना लोगे तब जाके, याद रखना शास्त्र की जरूरत केवल साधक को होती है, सिद्ध महापुरुष को नहीं होती है। जब तक हमारे अंतःकरण में हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना, जब तक हम लोग जीव श्रेणी में आएंगे तब तक हमें शास्त्रों का श्रवण करके और जो ये चार पुरुषार्थ हैं इनकी जब सिद्धि हो जाएगी तो हमको ये विवेक हो जाएगा कि जीवन में जिस प्रकार हम धर्म सम्मत जो काम है उसको परमात्मा की विभूति मानते हैं और धर्म के विपरीत जो काम है उसको हम व्यभिचार मानते हैं। इसी प्रकार जब ऐसा, याद रखना ये सत्संग आपको समय पास के लिए नहीं, आपके विवेक को जागृत करने के लिए सुनाया जाता है। और जब विवेक कर्म जागृत हो जाता है तो आप जो भी कर्म करोगे प्रत्येक कर्म धर्म बन जाएगा। आपका प्रत्येक कर्म जो है ना, आपका भोजन करना भी भजन हो जाएगा, आपका सोना भी समाधि हो जाएगा, आपका बोलना भी स्तुति पाठ हो जाएगा। तो ये विवेक पैदा हो जाए इसके लिए हमारे शास्त्रों ने और संतों ने मंथन किया है। और बहुत अच्छी बात है कि आप मंथन कर रहे हो, मुझे प्रसन्नता हुई आपके प्रश्न को सुन के। महाराज श्री प्रणाम। महाराज श्री माया ब्रह्म और जीव को समझाने की कृपा करें। अरे वाह, ये प्रश्न तो आपका नहीं हो सकता नारायण। ये प्रश्न तो इस प्रश्न को पूछने के लिए तो हम लोग कितने सालों से भारत में भ्रमण कर रहे हैं। ये प्रश्न जीवन का वो प्रश्न है कि ये पूरा जो अस्तित्व है ना, माया क्या है, ब्रह्म क्या है और जीव। हाँ, लेकिन ये प्रश्न है ना, लक्ष्मण जी ने राम को पूछा था पंचवटी में कि प्रभो मुझे, मैं कुछ पूछना और बहुत विस्तार मत करना, थोड़े में मुझे बता दो कि माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है। और गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि आगे आगे राम चलते हैं, बीच में सीता चलती है और पीछे लखन, तो वहां लिखा है रामायण, पूरे रामायण को कंठस्थ करने लायक ग्रंथ है। मेरा आपसे निवेदन है आप तंत्रों के चक्कर में पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन रामायण का पाठ किया करो। मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं, ईश्वर और हनुमान जी इतना देंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। रामायण में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और तत्व ज्ञान भी है। ऐसा कोई प्रश्न मुझे नहीं मिला जीवन का जिसका समाधान रामायण में नहीं मिलता है। और रामायण में ये लिखा है ओ भय बीच से सोहि कैसे, तो जो अनेक है वो जीव है और जो एक है वो ईश्वर है।
और याद रखना जब वेद समझ में आ जाएगा एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, तो जो प्रकृति के अधीन है वो जीव है और जो प्रकृति के परे हो जाता है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी उत्तरकांड की चौपाई है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अवनाशी, और जो जिसका ज्ञान अखंड हो जाता है वो ईश्वर होता है, और जिसका ज्ञान संग अच्छा हो गया तो ज्ञानी हो गए, संग थोड़ा बदल गया तो विज्ञानी हो गए, संग बदल गया तो पापी हो गए, कभी दुराचारी हो गए। तो जो प्रभाव में जीता है, अभाव में जीता है, प्रकृति के परिधि में जीता है वो जीव है, और जो प्रकृति से अतिक्रमण कर लेता है माया में तम तरंती थे, गीता के मनीषी यहां बैठे हैं, जो माया का अतिक्रमण कर लेते हैं वो ईश्वर है, ये जीव ईश्वर का भेद है। अब आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आगामी जो भी प्रश्न आप सभी के रहेंगे वो आप या तो आप हमें लिखित में दे सकते हैं या फिर आगामी जो भी उसमें आप सभी के तो उत्तर प्राप्त होगा। हाँ, साधक के जीवन में देखो आप लोग हैं, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके प्रश्न है ना, बिल्कुल शास्त्रोक्त प्रश्न है, ये जिज्ञासा से भरे हुए प्रश्न है। क्योंकि एक बार बुद्ध की पत्नी बैठी हुई थी और वहाँ से जब वो निकला तो बुद्ध की स्थिति को देखकर पत्नी को अतीत याद आ गया, और उसकी पत्नी ने कहा कि बुद्ध आप रुक जाओ, मुझे कुछ पूछना है। बुद्ध वहां पर रुक गए, और रुकने के बाद में बुद्ध ने कहा प्रश्न करो, और उसने जो प्रश्न किया, क्या जो परमात्मा सर्वव्यापी है, जिस बालक को सोता हुआ छोड़ के और मुझे अकेली छोड़ के आप रात में छोड़ के भाग गए थे, वो यहाँ नहीं मिल सकता था क्या? वो तो यहाँ भी हो सकता था। तब बुद्ध जैसा व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि बुद्ध के पास, और याद रखना मेरे भाई बहन, आपने कभी योग वशिष्ठ ग्रंथ को पढ़ा है? योग वशिष्ठ में एक ऐसा ग्रंथ है कि जहाँ भगवान प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर वशिष्ठ महाराज देते हैं, और राम जब प्रश्न करेंगे तो किस स्तर का प्रश्न होगा, इसलिए प्रश्न पूछने वाले के धरातल का पता चलता है कि इनकी साधना की भूमिका क्या है। और ऐसा प्रश्न किया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, कोई एक भी, सारे ऋषि मुनि एक दत्तचित होकर गहन उस अनिर्वचनीय अवस्था में जाने लगे। बहुत गंभीर स्वरों में वशिष्ठ ने कहा, हे मुनियों, आप ये मत सोचो कि मेरे पास में वाक्य शक्ति ने काम करना बंद कर दिया है, कि शब्दों की पूंजी नहीं है, लेकिन राम ने जैसा प्रश्न पूछा है मौन हो जाना ही उसका उत्तर है। लेकिन आपका प्रश्न साधना उपासना आराधना, सबसे पहले साधक को चाहिए वो अपने अंतःकरण में ये पहचान ले कि वो कर्मयोग का अधिकारी है, कि भक्ति योग का अधिकारी है, कि ज्ञान योग का अधिकारी है। क्योंकि हम लोग जिस मार्ग के पथिक होंगे उस मार्ग में हमको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे ही हमें अपने कर्तव्य का बोध होगा वैसे ही हमारा धर्म निश्चित, गीता ने कहा है स्व स्व धर्मण धीरता संसिद्धि लभते नरा, स्वधर्मम निधनम श्रेया। आप सब, मुझे ज़्यादा अर्थों में नहीं जाना है, अपने स्वधर्म का मतलब है अपनी आराधना उपासना और ये जो साधना है इसको ही ठीक से गहरे में अपने मनोवृत्ति के अनुसार से निश्चय करके, और फिर हम ऐसा जीवन जिए कि हमारा प्रत्येक कर्म हमारे लक्ष्य की ओर हमको ले जाए। तो लक्ष्य के गति में, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं उसका नाम आराधना, उसका नाम उपासना, और उसका नाम आपने जो पूछा है। आइए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, ये केवल आज का ही कार्यक्रम था, और प्रसन्नता इस बात की है कि केवल जयपुर से ही नहीं, जयपुर के बाहर से भी इस आयोजन के लिए साधक लोग पधारे हैं। तो जो जयपुर के बाहर से पधारे हैं उनके सम्मान में एक बार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे निवाई से पधारे सभी साधक जन,
और अनिल जी गोयल साहब और उनकी पूरी मित्र मंडली दिल्ली से पधारे, उनके भाग्य की सराहना करते हुए उनको बहुत बहुत प्रणाम करूं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अभी 10 मिनट आप सभी शांति और सद्भाव के साथ अपने अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे, कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। संत महापुरुषों का अभिनंदन होगा, उनका स्वागत होगा, उसके पश्चात आरती होगी। इन सब के पूर्व मैं आग्रह करता हूं, बहन सुमन जी महेश्वरी वो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी को अवगत कराएंगी। आप सभी शांति और सद्भाव से अपने यथा स्थान पर विराजमान रहें, बैठे रहें। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। एक बार जय श्री राम का जयकारा जोर से, जय श्री राम। कवन सो काज कठिन जग माही, इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो श्री हनुमान जी नहीं कर सकते हैं, और जो श्री हनुमान जी के शरण हैं, उनको भी इस जगत में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकते। तो श्री हनुमान जी के चरणों में मेरा नमन है। बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। और प्रेम ते प्रकट होई में जाना, आज ये बात आप सभी ने साबित कर दी है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई फोर्सफुली नहीं बुलाया जाता, वहाँ प्रेम के चलते सब स्वतः ही चले आते हैं। तो आप सभी की मंगल उपस्थिति को मैं बार बार आभार करती हूँ, वंदन करती हूँ। तो एक बार आप सभी मेरे सभी प्रेमी मित्रों को, मित्रों के लिए तालियां बजा दीजिए। आप सभी ने हम पर भरोसा किया, इस अमूल्य मानव जीवन के अमूल्य क्षणों को हमारे साथ साझा किया, क्योंकि हम सभी को पता है समय कितनी तेज रफ्तार से चल रहा है, किसी के भी पास समय नहीं है। इसलिए हमारे गर्ग भैया ने ये जो आज जो भी कार्यक्रम हुआ है, ये उनकी ही सोच है कि जो प्रबुद्ध जन हैं वो संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनको समय नहीं है, समय की बड़ी शॉर्टेज है। तो उन्होंने ये कैप्सूल प्रोग्राम रखा था, आप मैं चाहूंगी उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और आज आप लोगों को लगता होगा कार्यक्रम बहुत छोटा है, लेकिन तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो साधु की तो संगति पल भर की ही हमारे जन्मों जन्मों के पापों का नाश कर सकती है, तिरोहित कर सकती है, और महापुरुषों का सानिध्य हमें मानव जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। आप लोगों का ज्यादा समय ना लूंगी, लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज महाराज श्री की अमोघ वाणी ने आप सभी के हृदय की ग्रंथि को अवश्य ही छुआ होगा। और महाराज श्री के शब्द आपके हृदय पटल पर ऐसे ही प्रकाशित हो जैसे चंद्रमा की श्वेत किरण से पूरा जगत प्रकाशित होता है। तो आज तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको अगर महाराज श्री के प्रवचन और महाराज श्री के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप महाराज श्री का यूट्यूब चैनल मदन मोहन महाराज अवश्य सब्सक्राइब करें। उस पे आपको इस तरह के प्रवचन कथाएं लगातार सुनने को मिलेगी, और इसी तरह का कैप्सूल प्रोग्राम बहुत जल्दी ही बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। 8 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम में सिद्धार्थ भैया की तरफ से, तो आप सिद्धार्थ भैया के लिए जोरदार से तालियां बजा दीजिए। और हाँ, ये कार्यक्रम तो अभी 8 सितंबर को है, लेकिन इससे पहले हमारी धार्मिक नगरी जयपुर काशी में, छोटी काशी में 15 तारीख से गुरु पूर्णिमा तक, 21 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा झोटवाड़ा में होने जा रही है। उसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित है, वहाँ महाराज श्री का आपको पूरा सानिध्य, उनके प्रवचन सब कुछ सुनने को मिलेगा। तो आप सभी अवश्य पधारें।
ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम सभी इस कार्यक्रम को पूर्ण से संपूर्णता की ओर ले चलें सामूहिक हनुमान चालीसा के साथ। तो आइए हम सभी संत महापुरुषों के लिए दो लाइन फिर से मैं बोल दूं। मुकुर सुधा वर्ण रघुबर बिमल यशु जो दायक फल जा भूतहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजाग राम दूत अतुलित बल धामा अंजन भूत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बाज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर शुभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर शकार रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष ओर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समबाई सहस बदन तुम रो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा चम कुबेर दिग्पाल जाते कवि को विधि कही सके कहते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज पद दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन परवान लीलो ताहि मधुर पल जान प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जलधि लाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसार सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आप तीनों लोक आप ते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे शब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उज साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से
सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन रे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छोटे बंद महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गोरीसा तुलसीदास सदा जेरा कीजे नाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर श्री राम जय राम जय जय राम 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 अब प्रभु कृपा करो बाती सब तज भजन करो दिन राति सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाई दीन दयाल विरद भारी हरौ नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी धरौ सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए अब संत महापुरुषों के स्वागत की ओर आगे बढ़ें। मैं कुछ नाम उच्चारण करूं, वो कृपा शीघ्रता से मंच पर आकर संत महापुरुषों को साल पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। आग्रह करता हूं परम सम्मानीय आर के अग्रवाल साहब हमारे बीच में हैं, वो कृपया मंच पर आकर संत महापुरुषों को साल पहनाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। परम सम्मानीय श्री एम पी स्वामी साहब आपसे आग्रह करता हूँ आप भी मंच पर पधारें। श्रीमान अनिल जी घिया साहब एवं पवन जी खंडेलवाल साहब, राजेश जी रावत साहब एवं दिल्ली से पधारे अनिल जी गोयल साहब, और निवाई विश्व मंगलम से पधारे पूरे संगठन में से कोई भी एक प्रतिनिधित्व करने यहाँ पर मंच पर आकर संत महापुरुषों का अभिनंदन करेंगे, साल पहनाकर उनका सम्मान करें। दुख भंजन आप सभी बैठे रहे अपने स्थान पर। सुन ले मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ले मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार के सम्मान के बाद आप सभी पुनः अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और अब आइए आरती के क्रम की ओर आगे बढ़े इससे पूर्व 8 सितंबर को जो आगामी आयोजन होने जा रहा है उसकी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिवंगत चेतना को मैं याद करूं, परम सम्माननीय एस के गुप्ता साहब, उनके आत्मज सम्माननीय श्रीमान सिद्धार्थ जी गुप्ता, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होगा। आग्रह करता हूँ आरती के लिए मैं जिनके नाम उच्चारण करूं वो कृपया मंच पर आएंगे, बाकी आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भाव और श्रद्धा से भगवान की मंगलमयी आरती करें।
आग्रह करता हूं परम सम्मान्य श्रीमान राजकुमार जी गर्ग साहब और उनकी गृह स्वामिनी वो कृपया मंच पर आए आरती के लिए। सम्मान्य दिनेश जी भट्टर साहब और उनकी गृह स्वामिनी भगवतीय बहन सुमन जी महेश्वरी और जो आगामी कार्यक्रम 8 सितंबर को होने जा रहा है उसके मुख्य मनोरथी सम्मान्य सिद्धार्थ जी गुप्ता साहब और उनकी गृह स्वामिनी बहन सरिका जी गुप्ता, विश्व मंगलम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जो प्रतिवर्ष समूचे जयपुर के लोगों को लेकर बाहर कथाओं के आयोजन के लिए अथक मेहनत से सभी को तीर्थ लाभ दिलाते हैं ऐसे अध्यक्ष महोदय परम सम्मान्य गिरिराज प्रसाद जी माणक भौरा साहब और उनकी गृह स्वामिनी बहन अनीता जी, संतोष जी खंडेलवाल, विश्व मंगलम सेवा संस्थान महिला मंडल के अध्यक्ष, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी उनके साथ में ओम जी भैया वो भी कृपया मंच पर पधारें। परम सम्मानीय रमेश जी प्रधान साहब एवं माता जी श्रद्धे उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप सभी मंच पर आएं और विधि विधान के साथ भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। आप सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए अपने ही स्थान पर खड़े होकर भाव और प्यार से भगवान की मंगलमय आरती आरती के लिए पुनः नामोच्चारण करूं। श्रीमान राजकुमार जी गर्ग साहब और उनकी गृह स्वामिनी परम सम्मान्य दिनेश जी भट्टर साहब जिन्होंने दिन रात लगातार अथक मेहनत करके इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया मैं शायद अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। सिद्धार्थ जी गुप्ता साहब और आग्रह करता हूं विश्व मंगलम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य गिरिराज प्रसाद जी माणक बोरा साहब, संतोष जी खंडेलवाल, विश्व मंगलम महिला मंडल के अध्यक्ष महोदय एवं परम सम्मानीय श्रीमान रमेश जी प्रधान साहब, आप सभी मंच पर आकर विधि विधान के साथ आरती करेंगे। पधारे हुए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन के साथ। हमारे बीच में केवल जयपुर से नहीं चौमू से संदीप भाई कामदार पधारे, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मैं करूं और आगामी 8 सितंबर को उन्हें इस कथा गंगा में हम सभी प्रवेश करते हुए, आज कुछ समय ज़्यादा हुआ तो काल जो है वो भगवान के अधीन है, भगवान तो काल को बांध नहीं सकते, तो आग्रह करता हूँ अब कृपा शीघ्रता से आरती के क्रम की ओर आगे बढ़ें। मदन मोहन जी गुप्ता साहब वो भी कृपया मंच पर पधारें। चक्षु सूर्यो अजायत श्रोतद्वयश प्राणश मुख दगिरजायत आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोषी जाके निकट न जापे अंजन पुत्र महा बलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई देवी रघु नाथ पठाए लंका जारी सिया सुध लाए लंका कुकोट समुद्र सिखाई
जात पवन सुत पार न लाए लक्का जारी असुर संघारे सिया राम जी के काज समारे लक्ष्मण मूर्छित बड़े सकारे आदि सजीवन प्राण उबारे बैठी पताल और चमकारे अहिरावण के भुजा उकारे पाए भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लोचाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान की आरती गावे बजवे कोंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोग दया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेदि पुष्पांजलि कुर्यातः मैं आग्रह करता हूं निर्मल जी दरगढ़ साहब संदीप झंवर जी रमेश जी तोसनीवाल साहब रामचंद्र जी विजय वर्गीय साहब एवं मनीष जी माहेश्वरी आपसे आग्रह करूं कृपया आप भी मंच पर पधारें संदीप भाई कामदार आपसे आग्रह करूं आप भी व्यासपीठ को प्रणाम कर आशीर्वाद लें ओ पुष्पांजलि कुर्यातः जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तेहनागम महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहणो परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः एक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय thank you
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शिवराम जी स्वामी साहब वो कृपया मंच पर पधारे सभी प्रसाद लेंगे और बहुत आनंद और उत्साह के साथ ये आयोजन आज विराम और 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक हमारे अब सभी एक एक करके भक्ति पीठिका को प्रणाम करें जिनका हो गया है कृपया वो दूसरों को मौका दें आग्रह करता हूं एक एक करके करें सभी एक दूसरे को धक्का ना दें बहुत आनंद से प्रेम से
के बांट के पाइएगा।